हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्म सिम्बाग के बारे में तो यह फिल्म कौन सी है और यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं तो कौन कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पे कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देखने के लिए मिल सकती है इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं फिल्म सिम्बा के स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करने वाला हूँ ताकि आप भी यह फ़ैसला कर पाएंगे कि यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो इस वीडियो से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं तो यह वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों सिम्बा एक 2018 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जो रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित और रोहित शेट्टी पिक्चर रिलायंस एंटरटेनमेंट और धर्मा प्रोडक्शन द्वारा निर्मित है शेट्टी की टॉप कॉप यूनिवर्स की तीसरी किस्त इसमें रणवीर सिंह सोनू सूद और सारा अली खान है जिसमें देवगन एक कैम्यू भूमिका में सिंघम की अपनी भूमिका दोहरा रहे हैं दो की तेलुगु फिल्म टेम्पर की रीमेक है यह फिल्म संग्राम सिंगा भालेराव का अनुसरण करती है जो सिंघम के ही शहर का एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी है जो अपने निकट के लोगों को लोगों पर त्रासदी के बाद धार्मिक धर्मी अधिक धर्मी मार का नेतृत्व करने के लिए मजबूर होता है प्रिंसिपल फोटोग्राफी जून 2018 में गोवा और कोलापुर में फिल्माए गए अधिकांश दृश्यों के साथ शुरू हुई बाकी की शूटिंग हैदराबाद और मुंबई के महबूब स्टूडियो में की गई उसी वर्ष दिसंबर की शुरुआत में शूटिंग को लपेटा गया था फिल्म का साउंड ट्रैक तनिष्क बागची लीजो जॉर्ज डी तेजस और एस थमन द्वारा रचित है जिसके बोल शब्बीर अहमद रश्मि विराग कुमार और कुणाल वर्मा ने लिखे थे साउंड ट्रैक में उन्नीस छानबे के दो गानों के रोमिक है आंख मारे मूल रूप से फिल्म तेरे मेरे सपने से और नुसरत फतेह अली खान द्वारा कवाली गीत तेरे बिन सीमा को 22 दिसंबर 2018 को खाड़ी सहयोग परिषद के देशों में रिलीज़ किया गया था फिल्म को अगले दिन भारत और अंत अन्य राष्ट्रीय क्षेत्रों में रिलीज़ किया गया था इसे रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा दुनिया भर में वितरित किया गया था फिल्म को समीक्षकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली लेकिन दो तक सिमा की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली शुरुआती फिल्म बन गई और दुनिया भर में लगभग चार सौ करोड़ से अधिक की कमाई की जो अब तक की पच्चीसवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है बात करें अगर फिल्म से जुड़े टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक हैं रोहित शेट्टी और इस फिल्म की पटकथा की है यूनुस सजवल साजिद सामजी संवाद लिखे हैं फरहाद सामजी ने और कहानी वथंकम वा वामसी द्वारा दी गई है इस फिल्म को बनाने में टोटल एक सौ करोड़ की बजट आई थी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे टोटल तीन सौ नब्बे करोड़ से भी अधिक की कमाई की है स्टार कास्ट की बात करें तो इंस्पेक्टर संग्राम भालेराव उर्फ सिम्बा के रूप में रणवीर सिंह दिखाई देंगे दुरिया यशवंत पन रानाडे के रूप में सोनू सूद सिम्बा की प्रेमिका शगुन सोठे के रूप में सारा लिखान दिखाई देंगे इस फिल्म के अंदर आशुतोष राणा हेड कांस्टेबल नित्यानंद मोहिले के रूप में दिखाई देंगे उप निरीक्षक संतोष तावड़े के रूप में सिद्धार्थ जाधव वैदेही परशुरामी रामी आकृति देव के रूप में दिखाई देंगे स्टोरी प्लॉट की बात करें तो संग्राम सिम्बा भोलेराव शिवगढ़ का एक वीर विरोधी अनाथ है उसी शहर में जहां बाजीराव सिंघम का पालन पोषण हुआ था जहां वह देखता है कि कैसे पुलिसकर्मी रिश्वत के रूप में पैसे बनाते हैं खुद को पुलिस अधिकारी बनाने के लिए प्रेरित करते हैं और सफल होते हैं कुछ स्थानीय चोरों और एक जोहरे से रिश्वत लेकर सिम्बा एक भ्रष्ट पुलिस वाले की जीवन शैली का आनंद लेती है और उसका पूरा फायदा उठाती है गृह मंत्री विनायक दत्ता द्वारा सिम्बा को जल्द ही गोवा में मिरामार पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया जाता है जहां वह शगुन छोटे को देखता है और पहली नज़र में उससे प्यार कर बैठता है वह अपने साथी पुलिसकर्मियों से मिलता है और उसका एक जूनियर नित्यानंद मोहिले जो एक ईमानदार कांस्टेबल है सिम्बा को सलाम करने से हिचकिचाता है क्योंकि वह एक भ्रष्ट पुलिस वाला है मिरामार में अपनी योग्यता साबित करने के लिए वह दूरिया यशवंत रानाडे के भाइयों सदाशिव सदा रानाडे और गौरव गिरी रानाडे नामक एक प्रतिभाशाली गैंगस्टर द्वारा चलाए जा रहे एक पब पार्टी में बाधा डालता है और उनके अधिक पैसों की मांग करता है जबकि वादा करता है कि वह उन्हें जारी रखने देगा दूरिया सहमत हो जाता है और सिम्बा का उपयोग वामक वामन ना, राव नामक एक बूढ़े व्यक्ति की भूमि को मुक्त करने के लिए करता है जिसे सिम्बा द्वारा कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जाता है इस बीच सिम्बा कई महिलाओं और लड़कियों के साथ मात्र और बहन के बंधन विकसित करती है जिसमें एक आवृत्ति देवी होती है वह एक युवा महिला जो सिम्बा को अपने शिक्षक की याद दिलाती है आकृति सदा और गिरी के खिलाफ अपने पब में अवैध ड्रग्स का कारोबार करने और बच्चों को पैडलर्स के रूप में इस्तेमाल करने के लिए शिकायत दर्ज कराती है दुर्वा द्वारा शांत किए जाने के बाद सिम्बा शुरू से इस पर ध्यान नहीं देती है और इस बीच शगुन को उससे प्यार जाता है तो दोस्तों इस फिल्म में आगे क्या होता है सिम्बा अपने मिशन में कामयाब हो पाता है या नहीं और दुर्वा दूरवाने का क्या होता है इस फिल्म को आपको देखने के बाद ही पता चलेगा तो अगर आप भी ये फिल्म देखना चाहते हैं तो इस फिल्म के कॉपीराइट अधिकार जी द्वारा लिया गया है तो आप भी अगर फ़िल्म देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को जी फाइव पर देख सकते हैं बात करते हैं आई रेटिंग की तो इस फिल्म को फाइव आउट ऑफ टेन की आई रेटिंग मिली है और सेवनटी परसेंट गूगल यूज़र्स ने इस फिल्म को लाइक किया हुआ है हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्म सिम्बाग के बारे में तो यह फिल्म कौन सी है और यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं तो कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देखने के लिए मिल सकती है इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं फिल्म सिम्बा के स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करने वाला हूँ ताकि आप भी यह फैसला कर पाएंगे कि यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो इस वीडियो से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ तो यह वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों सिम्बा एक 2018 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जो रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित और रोहित शेट्टी पिक्चर रिलायंस एंटरटेनमेंट और धर्मा प्रोडक्शन द्वारा निर्मित है शेट्टी की टॉप कॉप यूनिवर्स की तीसरी किस्त इसमें रणवीर सिंह सोनू सूद और सारा अली खान है जिसमें देवगन एक कैम्यू भूमिका में सिंघम की अपनी भूमिका दोहरा रहे हैं 2012 की तेलुगु फिल्म टेम्पर की रीमेक है यह फिल्म संग्राम सिंह भालेराव का अनुसरण करती है जो सिंघम के ही शहर का एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी है जो अपने निकट के लोगों को लोगों पर त्रासदी के बाद धार्मिक धर्मी अधिक धर्मी मार का नेतृत्व करने के लिए मजबूर होता है प्रिंसिपल फोटोग्राफी जून 2018 में गोवा और कोलापुर में फिल्माए गए अधिकांश दृश्यों के साथ शुरू हुई बाकी की शूटिंग हैदराबाद और मुंबई के महबूब स्टूडियो में की गई उसी वर्ष दिसंबर की शुरुआत में शूटिंग को लपेटा गया था फिल्म का साउंड ट्रैक तनिष्क बागची लीजो जॉर्ज डीजे तेजस और एस थमन द्वारा रचित है जिसके बोल शब्बीर अहमद रश्मि विराग कुमार और कुणाल वर्मा ने लिखे थे साउंड ट्रैक में उन्नीस छानबे के दो गानों के रोमिक है आंख मारे मूल रूप से फिल्म तेरे मेरे सपने से और नुसरत फतेह अली खान द्वारा कवाली गीत तेरे बिन सीमा को 22 दिसंबर 2018 को खाड़ी सहयोग परिषद के देशों में रिलीज़ किया गया था फिल्म को अगले दिन भारत और अंत अन्य राष्ट्रीय क्षेत्रों में रिलीज़ किया गया था इसे रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा दुनिया भर में वितरित किया गया था फिल्म को समीक्षकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली लेकिन दो तक सिमा की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली शुरुआती फिल्म बन गई और दुनिया भर में लगभग चार सौ करोड़ से अधिक की कमाई की जो अब तक की पच्चीसवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है बात करें अगर फिल्म से जुड़े टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक हैं रोहित शेट्टी और इस फिल्म की पटकथा की है यूनुस सजवल साजिद सामजी संवाद लिखे हैं फरहाद शाम जी ने और कहानी वथंकम वा वामसी द्वारा दी गई है इस फिल्म को बनाने में टोटल एक सौ करोड़ की बजट आई थी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर टोटल तीन सौ नब्बे करोड़ से भी अधिक की कमाई की है स्टार कास्ट की बात करें तो इंस्पेक्टर संग्राम भालेराव उर्फ सिम्बा के रूप में रणवीर सिंह दिखाई देंगे दुर्या यशवंत पन रणाडे के रूप में सोनू सूद सिम्बा की प्रेमिका शगुन सोठे के रूप में सारा लिखान दिखाई देंगे इस फिल्म के अंदर आशुतोष राणा हेड कांस्टेबल नित्यानंद मोहिले के रूप में दिखाई देंगे उप निरीक्षक संतोष तावड़े के रूप में सिद्धार्थ जाधव वैद्य ही परशु आकृति देव के रूप में दिखाई देंगे स्टोरी प्लॉट की बात करें तो संग्राम सिम्बा भोलेराव शिवगढ़ का एक वीर विरोधी अनाथ है उसी शहर में जहाँ बाजीराव सिंघम का पालन पोषण हुआ था जहां वह देखता है कि कैसे पुलिसकर्मी रिश्वत के रूप में पैसे बनाते हैं खुद को पुलिस अधिकारी बनाने के लिए प्रेरित करते हैं और सफल होते हैं कुछ स्थानीय चोरों और एक जोहरे से रिश्वत लेकर सिम्बा एक भ्रष्ट पुलिस वाले की जीवन शैली का आनंद लेती है और उसका पूरा फायदा उठाती है गृह मंत्री विनायक दत्ता द्वारा सिम्बा को जल्द ही गोवा में मिरामार पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया जाता है जहां वह शगुन छोटे को देखता है और पहली नज़र में उससे प्यार कर बैठता है वह अपने साथी पुलिसकर्मियों से मिलता है और उसका एक जूनियर नित्यानंद मोहिले जो एक ईमानदार कांस्टेबल है सीमा को सलाम करने से हिचकिचाता है क्योंकि वह एक भ्रष्ट पुलिस वाला है मीराम में अपनी योग्यता साबित करने के लिए वह दूरिया यशवंत रानाडे के भाइयों सदाशिव सदा रानाडे और गौरव गिरी रनाडे नामक एक प्रतिभाशाली गैंगस्टर द्वारा चलाए जा रहे एक पब पार्टी में बाधा डालता है और उनके अधिक पैसों की मांग करता है जबकि वादा करता है कि वह उन्हें जारी रखने देगा दुर्या सहमत हो जाता है और सिम्बा का उपयोग वामक वामन ना, राव नामक एक बूढ़े व्यक्ति की भूमि को मुक्त करने के लिए करता है जिसे सिम्बा द्वारा कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जाता है इस बीच सिम्बा कई महिलाओं और लड़कियों के साथ मातृ और बहन के बंधन विकसित करती है जिसमें एक आवृत्ति देवी होती है वह एक युवा महिला जो सिम्बा को अपने शिक्षक की याद दिलाती है आकृति सदा और गिरी के खिलाफ अपने पब में अवैध ड्रग्स का कारोबार करने और बच्चों को पैलर्स के रूप में इस्तेमाल करने के लिए शिकायत दर्ज कराती है दुर्वा द्वारा शांत किए जाने के बाद सिम्बा शुरू से इस पर ध्यान नहीं देती है और इस बीच शगुन को उससे प्यार जाता है तो दोस्तों इस फिल्म में आगे क्या होता है सिम्बा अपने मिशन में कामयाब हो पाता है या नहीं और आने का क्या होता है इस फिल्म को आपको देखने के बाद ही पता चलेगा तो अगर आप भी ये फिल्म देखना चाहते हैं तो इस फिल्म के कॉपीराइट अधिकार जी द्वारा लिए गए हैं तो आप भी अगर फ़िल्म देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को जी फाइव पर देख सकते हैं बात करते हैं आई एम डी वी रेटिंग की तो इस फ़िल्म को फाइव पॉइंट फाइव आउट ऑफ टेन की आई एम डी वी रेटिंग मिली है और सेवेंटी फाइव परसेंट गूगल यूज़र्स ने इस फिल्म को लाइक किया हुआ है हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्म सिम्बाग के बारे में तो यह फिल्म कौन सी है और यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं तो कौन कौन से ओटीटी टी टी प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देखने के लिए मिल सकती है इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं फिल्म सिम्बा के स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करने वाला हूँ ताकि आप भी यह फैसला कर पाएंगे कि यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो इस वीडियो से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ तो यह वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों सिम्बा एक 2018 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जो रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित और रोहित शेट्टी पिक्चर रिलायंस एंटरटेनमेंट और धर्मा प्रोडक्शन द्वारा निर्मित है शेट्टी की टॉप कॉप यूनिवर्स की तीसरी किस्त इसमें रणवीर सिंह सोनू सूद और सारा अली खान है जिसमें देवगन एक कैम्यू भूमिका में सिंघम की अपनी भूमिका दोहरा रहे हैं 2012 की तेलुगु फिल्म टेम्पर की रीमेक है यह फिल्म संग्राम सिंगा भालेराव का अनुसरण करती है जो सिंघम के ही शहर का एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी है जो अपने निकट के लोगों को लोगों पर त्रासदी के बाद धार्मिक धर्मी अधिक धर्मी मार्ग का नेतृत्व करने के लिए मजबूर होता है प्रिंसिपल फोटोग्राफी जून 2018 में गोवा और कोलापुर में फिल्माए गए अधिकांश दृश्यों के साथ शुरू हुई बाकी की शूटिंग हैदराबाद और मुंबई के महबूब स्टूडियो में की गई उसी वर्ष दिसंबर की शुरुआत में शूटिंग को लपेटा गया था फिल्म का साउंड ट्रैक तनिष्क बागची लीजो जॉर्ज डीजे तेजस और एस थमन द्वारा रचित है जिसके बोल शब्बीर अहमद रश्मि विराग कुमार और कुणाल वर्मा ने लिखे थे साउंड ट्रैक में उन्नीस छानबे के दो गानों के रूमिक है आंख मारे मूल रूप से फिल्म तेरे मेरे सपने से और नुसरत फतेह अली खान द्वारा कवाली गीत तेरे बिन सीमा को बाईस दिसंबर 2018 को खाड़ी सहयोग परिषद के देशों में रिलीज़ किया गया था फिल्म को अगले दिन भारत और अंत अन्य राष्ट्रीय क्षेत्रों में रिलीज़ किया गया था इसे रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा दुनिया भर में वितरित किया गया था फिल्म को समीक्षकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली लेकिन दो तक सिमा की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली शुरुआती फिल्म बन गई और दुनिया भर में लगभग चार सौ करोड़ से अधिक की कमाई की जो अब तक की पच्चीसवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है बात करें अगर फिल्म से जुड़े टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक हैं रोहित शेट्टी और इस फिल्म की पटकथा की यूनिज सजवल साजिद शामजी संवाद लिखे हैं फरहाद सामजी ने और कहानी वथंकम वा वामसी द्वारा दी गई है इस फिल्म को बनाने में टोटल एक सौ करोड़ की बजट आई थी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे टोटल तीन सौ नब्बे करोड़ से भी अधिक की कमाई की है स्टार कास्ट की बात करें तो इंस्पेक्टर संग्राम भाले उर्फ सिम्बा के रूप में रणवीर सिंह दिखाई देंगे दुर्या यशवंत पन रणाडे के रूप में सोनू सूद सिम्बा की प्रेमिका शगुन सोठे के रूप में सारा लिखान दिखाई देंगे इस फिल्म के अंदर आशुतोष राणा हेड कांस्टेबल नित्यानंद मोहिले के रूप में दिखाई देंगे उप निरीक्षक संतोष तावड़े के रूप में सिद्धार्थ जाधव वैदे ही परशु रामी आकृति देव के रूप में दिखाई देंगे स्टोरी प्लॉट की बात करें तो संग्राम सिम्बा भोलेराव शिवगढ़ का एक वीर विरोधी अनाथ है उसी शहर में जहाँ बाजीराव सिंह का पालन पोषण हुआ था जहाँ वह देखता है कि कैसे पुलिसकर्मी रिश्वत के रूप में पैसे बनाते हैं खुद को पुलिस अधिकारी बनाने के लिए प्रेरित करते हैं और सफल होते हैं कुछ स्थानीय चोरों और एक जोहरे से रिश्वत लेकर सिम्बा एक भ्रष्ट पुलिस वाले की जीवन शैली का आनंद लेती है और उसका पूरा फायदा उठाती है गृह मंत्री विनायक दत्ता द्वारा सिम्बा को जल्द ही गोवा में मिरामार पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया जाता है जहां वह शगुन छोटे को देखता है और पहली नज़र में उससे प्यार कर बैठता है वह अपने साथी पुलिसकर्मियों से मिलता है और उसका एक जूनियर नित्यानंद मोहिले जो एक ईमानदार कांस्टेबल है सिम्बा को सलाम करने से हिचकिचाता है क्योंकि वह एक भ्रष्ट पुलिस वाला है मिराममार में अपनी योग्यता साबित करने के लिए वह दूरिया यशवंत रानाडे के भाइयों सदाशिव सदा रानाडे और गौरव गिरी रनाडे नामक एक प्रतिभाशाली गैंगस्टर द्वारा चलाए जा रहे एक पब पार्टी में बाधा डालता है और उनके अधिक पैसों की मांग करता है जबकि वादा करता है कि वह उन्हें जारी रखने देगा दूरिया सहमत हो जाता है और सिम्बा का उपयोग वामक वामन ना, राव नामक एक बूढ़े व्यक्ति की भूमि को मुक्त करने के लिए करता है जिसे सिम्बा द्वारा कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जाता है इस बीच सिम्बा कई महिलाओं और लड़कियों के साथ मात्र और बहन के बंधन विकसित करती है जिसमें एक आवृत्ति देवी होती है वह एक युवा महिला जो सिम्बा को अपने शिक्षक की याद दिलाती है आकृति सदा और गिरी के खिलाफ अपने पब में अवैध ड्रग्स का कारोबार करने और बच्चों को पैलर्स के रूप में इस्तेमाल करने के लिए शिकायत दर्ज कराती है दुर्वा द्वारा शांत किए जाने के बाद सिम्बा शुरू से इस पर ध्यान नहीं देती है और इस बीच शगुन को उससे प्यार जाता है तो दोस्तों इस फिल्म में आगे क्या होता है सिम्बा अपने मिशन में कामयाब हो पाता है या नहीं और दुर्वा आने का क्या होता है इस फिल्म को आपको देखने के बाद ही पता चलेगा तो अगर आप भी ये फिल्म देखना चाहते हैं तो इस फिल्म के कॉपीराइट अधिकार जी द्वारा लिया गया है तो आप भी अगर फ़िल्म देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को जी फाइव पर देख सकते हैं बात करते हैं आई रेटिंग की तो इस फिल्म को फाइव आउट ऑफ टेन की आई रेटिंग मिली है और सेवेंटी गूगल यूज़र्स ने इस फिल्म को लाइक किया हुआ है हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्म सिम्बाग के बारे में तो यह फिल्म कौन सी है और यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं तो कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देखने के लिए मिल सकती है इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं फिल्म सिम्बा के स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करने वाला हूँ ताकि आप भी यह फैसला कर पाएंगे कि यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो इस वीडियो से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं तो यह वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों सिम्बा एक 2018 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जो रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित और रोहित शेट्टी पिक्चर रिलायंस एंटरटेनमेंट और धर्मा प्रोडक्शन द्वारा निर्मित है शेट्टी की टॉप कॉप यूनिवर्स की तीसरी किस्त इसमें रणवीर सिंह सोनू सूद और सारा अली खान है जिसमें देवगन एक कैम्यू भूमिका में सिंघम की अपनी भूमिका दोहरा रहे हैं 2012 की तेलुगु फिल्म टेम्पर की रीमेक है यह फिल्म संग्राम सिंह भालेराव का अनुसरण करती है जो सिंघम के ही शहर का एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी है जो अपने निकट के लोगों को लोगों पर त्रासदी के बाद धार्मिक धर्मी अधिक धर्मी मार का नेतृत्व करने के लिए मजबूर होता है प्रिंसिपल फोटोग्राफी जून 2018 में गोवा और कोलापुर में फिल्माए गए अधिकांश दृश्यों के साथ शुरू हुई बाकी की शूटिंग हैदराबाद और मुंबई के महबूब स्टूडियो में की गई उसी वर्ष दिसंबर की शुरुआत में शूटिंग को लपेटा गया था फिल्म का साउंड ट्रैक तनिष्क बागची लीजो जॉर्ज डी तेजस और एस थमन द्वारा रचित है जिसके बोल शब्बीर अहमद रश्मि विराग कुमार और कुणाल वर्मा ने लिखे थे साउंड ट्रैक में उन्नीस छानबे के दो गानों के रोमिक है आंख मारे मूल रूप से फिल्म तेरे मेरे सपने से और नुसरत फतेह अली खान द्वारा कवाली गीत तेरे बिन सीमा को बाईस दिसंबर 2018 को खाड़ी सहयोग परिषद के देशों में रिलीज़ किया गया था फिल्म को अगले दिन भारत और अंत अन्य राष्ट्रीय क्षेत्रों में रिलीज़ किया गया था इसे रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा दुनिया भर में वितरित किया गया था फिल्म को समीक्षकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली लेकिन दो तक सिमा की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली शुरुआती फिल्म बन गई और दुनिया भर में लगभग चार सौ करोड़ से अधिक की कमाई की जो अब तक की पच्चीसवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है बात करें अगर फिल्म से जुड़े टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक हैं रोहित शेट्टी और इस फिल्म की पटकथा की है यूनिज सजवल साजिद सामजी संवाद लिखे हैं फरहाद सामजी ने और कहानी वथंकम वा वामसी द्वारा दी गई है इस फिल्म को बनाने में टोटल एक सौ करोड़ की बजट आई थी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे टोटल तीन सौ नब्बे करोड़ से भी अधिक की कमाई की है स्टार कास्ट की बात करें तो इंस्पेक्टर संग्राम भालेराव उर्फ सिम्बा के रूप में रणवीर सिंह दिखाई देंगे दुर्या यशवंत पन रानाडे के रूप में सोनू सूद सिम्बा की प्रेमिका शगुन सोठे के रूप में सारा लिखान दिखाई देंगे इस फिल्म के अंदर आशुतोष राणा हेड कांस्टेबल नित्यानंद मोहिले के रूप में दिखाई देंगे उप निरीक्षक संतोष तावड़े के रूप में सिद्धार्थ जाधव वैदे ही रामी आकृति देव के रूप में दिखाई देंगे स्टोरी प्लॉट की बात करें तो संग्राम सिम्बा भोलेराव शिवगढ़ का एक वीर विरोधी अनाथ है उसी शहर में जहां बाजीराव सिंघम का पालन पोषण हुआ था जहां वह देखता है कि कैसे पुलिसकर्मी रिश्वत के रूप में पैसे बनाते हैं खुद को पुलिस अधिकारी बनाने के लिए प्रेरित करते हैं और सफल होते हैं कुछ स्थानीय चोरों और एक जोहरे से रिश्वत लेकर सिम्बा एक भ्रष्ट पुलिस वाले की जीवन शैली का आनंद लेती है और उसका पूरा फायदा उठाती है गृह मंत्री विनायक दत्ता द्वारा सिम्बा को जल्द ही गोवा में मिरामार पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया जाता है जहां वह शगुन छोटे को देखता है और पहली नज़र में उससे प्यार कर बैठता है वह अपने साथी पुलिसकर्मियों से मिलता है और उसका एक जूनियर नित्यानंद मोहले जो एक ईमानदार कांस्टेबल है सिम्बा को सलाम करने से हिचकिचाता है क्योंकि वह एक भ्रष्ट पुलिस वाला है मिराममार में अपनी योग्यता साबित करने के लिए वह दूरिया यशवंत रानाडे के भाइयों सदाशिव सदा रानाडे और गौरव गिरी रनाडे नामक एक प्रतिभाशाली गैंगस्टर द्वारा चलाए जा रहे एक पब पार्टी में बाधा डालता है और उनके अधिक पैसों की मांग करता है जबकि वादा करता है कि वह उन्हें जारी रखने देगा दूरिया सहमत हो जाता है और सिम्बा का उपयोग वामक वामन ना, राव नामक एक बूढ़े व्यक्ति की भूमि को मुक्त करने के लिए करता है जिसे सिम्बा द्वारा कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जाता है इस बीच सिम्बा कई महिलाओं और लड़कियों के साथ मातृ और बहन के बनधन विकसित करती है जिसमें एक आवृत्ति देवी होती है वह एक युवा महिला जो सिम्बा को अपने शिक्षक की याद दिलाती है आकृति सदा और गिरी के ख़िलाफ़ अपने पब में अवैध ड्रग्स का कारोबार करने और बच्चों को पैलर्स के रूप में इस्तेमाल करने के लिए शिकायत दर्ज कराती है दुर्वा द्वारा शांत किए जाने के बाद सिम्बा शुरू से इस पर ध्यान नहीं देती है और इस बीच शगुन को उससे प्यार जाता है तो दोस्तों इस फिल्म में आगे क्या होता है सिम्बा अपने मिशन में कामयाब हो पाता है या नहीं और दुर्वा आने का क्या होता है इस फिल्म को आपको देखने के बाद ही पता चलेगा तो अगर आप भी ये फिल्म देखना चाहते हैं तो इस फिल्म के कॉपीराइट अधिकार जी फाइव द्वारा लिया गया है तो आप भी अगर फ़िल्म देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को जी फाइव पर देख सकते हैं बात करते हैं आई रेटिंग की तो इस फिल्म को फाइव आउट ऑफ टेन की आई रेटिंग मिली है और सेवेंटी गूगल यूज़र्स ने इस फिल्म को लाइक किया हुआ है हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्म सिम्बाग के बारे में तो यह फिल्म कौन सी है और यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं तो कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देखने के लिए मिल सकती है इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं फिल्म सिम्बा के स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करने वाला हूँ ताकि आप भी यह फैसला कर पाएंगे कि यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो इस वीडियो से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं तो यह वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों सिम्बा एक 2018 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जो रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित और रोहित शेट्टी पिक्चर रिलायंस एंटरटेनमेंट और धर्मा प्रोडक्शन द्वारा निर्मित है शेट्टी की टॉप कॉप यूनिवर्स की तीसरी किस्त इसमें रणवीर सिंह सूद और सारा अली खान है जिसमें देवगन एक कैम्यू भूमिका में, में सिंघम की अपनी भूमिका दोहरा रहे हैं दो की तेलुगु फिल्म टेम्पर की रीमेक है यह फिल्म संग्राम सिंगा भाले का अनुसरण करती है जो सिंघम के ही शहर का एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी है जो अपने निकट के लोगों को लोगों पर त्रासदी के बाद धार्मिक धर्मी अधिक धर्मी मार का नेतृत्व करने के लिए मजबूर होता है प्रिंसिपल फोटोग्राफी जून 2018 में गोवा और कोलापुर में फिल्माए गए अधिकांश दृश्यों के साथ शुरू हुई बाकी की शूटिंग हैदराबाद और मुंबई के महबूब स्टूडियो में की गई उसी वर्ष दिसंबर की शुरुआत में शूटिंग को लपेटा गया था फिल्म का साउंड ट्रैक तनिष्क बागची लीजो जॉर्ज डी तेजस और एस थमन द्वारा रचित है जिसके बोल शब्बीर अहमद रश्मि विराग कुमार और कुणाल वर्मा ने लिखे थे साउंड ट्रैक में उन्नीस छानबे के दो गानों के रूमिक आंख मारे मूल रूप से फिल्म तेरे मेरे सपने से और नुसरत फतेह अली खान द्वारा कवाली गीत तेरे बिन सीमा को 22 दिसंबर 2018 को खाड़ी सहयोग परिषद के देशों में रिलीज़ किया गया था फिल्म को अगले दिन भारत और अंत अन्य राष्ट्रीय क्षेत्रों में रिलीज़ किया गया था इसे रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा दुनिया भर में वितरित किया गया था फिल्म को समीक्षकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली लेकिन दो तक सिमा की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली शुरुआती फिल्म बन गई और दुनिया भर में लगभग चार सौ करोड़ से अधिक की कमाई की जो अब तक की पच्चीसवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है बात करें अगर फिल्म से जुड़े टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक हैं रोहित शेट्टी और इस फिल्म की पटकथा की है यूनिज सजल साजिद सामजी संवाद लिखे हैं फरहाद सामजी ने और कहानी वथंकम वा वामसी द्वारा दी गई है इस फिल्म को बनाने में टोटल एक सौ करोड़ की बजट आई थी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे टोटल तीन सौ नब्बे करोड़ से भी अधिक की कमाई की है स्टार कास्ट की बात करें तो इंस्पेक्टर संग्राम भालेराव उर्फ सिम्बा के रूप में रणवीर सिंह दिखाई देंगे दुरिया यशवंत पन रणाडे के रूप में सोनू सूद सिम्बा की प्रेमिका शगुन सोठे के रूप में सारा लिखान दिखाई देंगे इस फिल्म के अंदर आशुतोष राणा हेड कांस्टेबल नित्यानंद मोहिले के रूप में दिखाई देंगे उप निरीक्षक संतोष तावड़े के रूप में सिद्धार्थ जाधव वह दे रामी आकृति देव के रूप में दिखाई देंगे स्टोरी प्लॉट की बात करें तो संग्राम सिम्बा भोलेराव शिवगढ़ का एक वीर विरोधी अनाथ है उसी शहर में जहां बाजीराव सिंघम का पालन पोषण हुआ था जहां वह देखता है कि कैसे पुलिसकर्मी रिश्वत के रूप में पैसे बनाते हैं खुद को पुलिस अधिकारी बनाने के लिए प्रेरित करते हैं और सफल होते हैं कुछ स्थानीय चोरों और एक जोहरे से रिश्वत लेकर सिम्बा एक भ्रष्ट पुलिस वाले की जीवन शैली का आनंद लेती है और उसका पूरा फायदा उठाती है गृह मंत्री विनायक दत्ता द्वारा सिम्भा को जल्द ही गोवा में मिरामार पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया जाता है जहां वह शगुन छोटे को देखता है और पहली नज़र में उससे प्यार कर बैठता है वह अपने साथी पुलिसकर्मियों से मिलता है और उसका एक जूनियर नित्यानंद मोहिले जो एक ईमानदार कांस्टेबल है सिम्मा को सलाम करने से हिचकिचाता है क्योंकि वह एक भ्रष्ट पुलिस वाला है मिराममार में अपनी योग्यता साबित करने के लिए वह दूरिया यशवंत रानाडे के भाइयों सदाशिव सदा रानाडे और गौरव गिरी रणाडे नामक एक प्रतिभाशाली गैंगस्टर द्वारा चलाए जा रहे एक पब पार्टी में बाधा डालता है और उनके अधिक पैसों की मांग करता है जबकि वादा करता है कि वह उन्हें जारी रखने देगा दूरिया सहमत हो जाता है और सिम्बा का उपयोग वामक वामन ना, राव नामक एक बूढ़े व्यक्ति की भूमि को मुक्त करने के लिए करता है जिसे सिम्बा द्वारा कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जाता है इस बीच सिम्बा कई महिलाओं और लड़कियों के साथ मातृ और बहन के बंधन विकसित करती है जिसमें एक आवृत्ति देवी होती है वह एक युवा महिला जो सिम्बा को अपने शिक्षक की याद दिलाती है आकृति सदा और गिरी के ख़िलाफ़ अपने पब में अवैध ड्रग्स का कारोबार करने और बच्चों को पैलर्स के रूप में इस्तेमाल करने के लिए शिकायत दर्ज कराती है दुर्वा द्वारा शांत किए जाने के बाद सिम्बा शुरू से इस पर ध्यान नहीं देती है और इस बीच शगुन को उससे प्यार जाता है तो दोस्तों इस फिल्म में आगे क्या होता है सिम्बा अपने मिशन में कामयाब हो पाता है या नहीं और दुर्वा आने का क्या होता है इस फिल्म को आपको देखने के बाद ही पता चलेगा तो अगर आप भी ये फिल्म देखना चाहते हैं तो इस फिल्म के कॉपीराइट अधिकार जी द्वारा लिया गया है तो आप भी अगर फ़िल्म देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को जी फाइव पर देख सकते हैं बात करते हैं आई रेटिंग की तो इस फिल्म को फाइव आउट ऑफ टेन की आई रेटिंग मिली है और सेवेंटी गूगल यूज़र्स ने इस फिल्म को लाइक किया हुआ है हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्म सिम्बाग के बारे में तो यह फिल्म कौन सी है और यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं तो कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देखने के लिए मिल सकती है इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं फिल्म सिम्बा के स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करने वाला हूँ ताकि आप भी यह फैसला कर पाएंगे कि यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो इस वीडियो से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं तो यह वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों सिम्बा एक 2018 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जो रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित और रोहित शेट्टी पिक्चर रिलायंस एंटरटेनमेंट और धर्मा प्रोडक्शन द्वारा निर्मित है शेट्टी की टॉप कॉप यूनिवर्स की तीसरी किस्त इसमें रणवीर सिंह सोनू सूद और सारा अली खान है जिसमें देवगन एक कैम्यू भूमिका में सिंघम की अपनी भूमिका दोहरा रहे हैं 2012 की तेलुगु फिल्म टेम्पर की रीमेक है यह फिल्म संग्राम सिंगा भालेराव का अनुसरण करती है जो सिंघम के ही शहर का एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी है जो अपने निकट के लोगों को लोगों पर त्रासदी के बाद धार्मिक धर्मी अधिक धर्मी मार का नेतृत्व करने के लिए मजबूर होता है प्रिंसिपल फोटोग्राफी जून 2018 में गोवा और कोलापुर में फिल्माए गए अधिकांश दृश्यों के साथ शुरू हुई बाकी की शूटिंग हैदराबाद और मुंबई के महबूब स्टूडियो में की गई उसी वर्ष दिसंबर की शुरुआत में शूटिंग को लपेटा गया था फिल्म का साउंड ट्रैक तनिष्क बागची लीजो जॉर्ज डी तेजस और एस थमन द्वारा रचित है जिसके बोल शब्बीर अहमद रश्मि विराग कुमार और कुणाल वर्मा ने लिखे थे साउंड ट्रैक में उन्नीस छानबे के दो गानों के रोमिक है आंख मारे मूल रूप से फिल्म तेरे मेरे सपने से और नुसरत फतेह अली खान द्वारा कवाली गीत तेरे बिन सीमा को बाईस दिसंबर 2018 को खाड़ी सहयोग परिषद के देशों में रिलीज़ किया गया था फिल्म को अगले दिन भारत और अंत अन्य राष्ट्रीय क्षेत्रों में रिलीज़ किया गया था इसे रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा दुनिया भर में वितरित किया गया था फिल्म को समीक्षकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली लेकिन दो तक सिमा की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली शुरुआती फिल्म बन गई और दुनिया भर में लगभग चार सौ करोड़ से अधिक की कमाई की जो अब तक की पच्चीसवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है बात करें अगर फिल्म से जुड़े टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक हैं रोहित शेट्टी और इस फिल्म की पटकथा की है यूनुस सजवल साजिद सामजी संवाद लिखे हैं फरहाद सामजी ने और कहानी वथंकम वा वामसी द्वारा दी गई है इस फिल्म को बनाने में टोटल एक सौ करोड़ की बजट आई थी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे टोटल तीन सौ नब्बे करोड़ से भी अधिक की कमाई की है स्टार कास्ट की बात करें तो इंस्पेक्टर संग्राम भालेराव उर्फ सिम्बा के रूप में रणवीर सिंह दिखाई देंगे दुरिया यशवंत पन रानाडे के रूप में सोनू सूद सिम्बा की प्रेमिका शगुन सोठे के रूप में सारा लिखान दिखाई देंगे इस फिल्म के अंदर आशुतोष राणा हेड कांस्टेबल नित्यानंद मोहिले के रूप में दिखाई देंगे उप निरीक्षक संतोष तावड़े के रूप में सिद्धार्थ यादव वह देवी रामी आकृति देव के रूप में दिखाई देंगे स्टोरी प्लाट की बात करें तो संग्राम सिम्बा भोलेराव शिवगढ़ का एक वीर विरोधी अनाथ है उसी शहर में जहां बाजीराव सिंघम का पालन पोषण हुआ था जहां वह देखता है कि कैसे पुलिसकर्मी रिश्वत के रूप में पैसे बनाते हैं खुद को पुलिस अधिकारी बनाने के लिए प्रेरित करते हैं और सफल होते हैं कुछ स्थानीय चोरों और एक जोहरी से रिश्वत लेकर सिम्बा एक भ्रष्ट पुलिस वाले की जीवन शैली का आनंद लेती है और उसका पूरा फायदा उठाती है गृह मंत्री विनायक दत्ता द्वारा सिम्बा को जल्द ही गोवा में मिरामार पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया जाता है जहाँ वह शगुन छोटे को देखता है और पहली नज़र में उससे प्यार कर बैठता है वह अपने साथी पुलिसकर्मियों से मिलता है और उसका एक जूनियर नित्यानंद मोयले जो एक ईमानदार कांस्टेबल है सीमा को सलाम करने से हिचकिचाता है क्योंकि वह एक भ्रष्ट पुलिस वाला है माममार में अपनी योग्यता साबित करने के लिए वह दूरिया यशवंत रानाडे के भाइयों सदाशिव सदा रानाडे और गौरव गिरी रानाडे नामक एक प्रतिभाशाली गैंगस्टर द्वारा चलाए जा रहे एक पब पार्टी में बाधा डालता है और उनके अधिक पैसों की मांग करता है जबकि वादा करता है कि वह उन्हें जारी रखने देगा दुर्या सहमत हो जाता है और सिम्बा का उपयोग वामक वामन ना, राव नामक एक बूढ़े व्यक्ति की भूमि को मुक्त करने के लिए करता है जिसे सिम्बा द्वारा कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जाता है इस बीच सिम्बा कई महिलाओं और लड़कियों के साथ मातृ और बहन के बंधन विकसित करती है जिसमें एक आवृत्ति देवी होती है वह एक युवा महिला जो सिम्बा को अपने शिक्षक की याद दिलाती है आकृति सदा और गिरी के खिलाफ अपने पब में अवैध ड्रग्स का कारोबार करने और बच्चों को पैलर्स के रूप में इस्तेमाल करने के लिए शिकायत दर्ज कराती है दुर्वा द्वारा शांत किए जाने के बाद सिम्बा शुरू से इस पर ध्यान नहीं देती है और इस बीच शगुन को उससे प्यार जाता है तो दोस्तों इस फिल्म में आगे क्या होता है सिम्बा अपने मिशन में कामयाब हो पाता है या नहीं और रहने का क्या होता है इस फिल्म को आपको देखने के बाद ही पता चलेगा तो अगर आप भी ये फिल्म देखना चाहते हैं तो इस फिल्म के कॉपीराइट अधिकार जी द्वारा लिया गया है तो आप भी अगर फ़िल्म देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को जी फाइव पर देख सकते हैं बात करते हैं आई रेटिंग की तो इस फिल्म को फाइव आउट ऑफ टेन की आई रेटिंग मिली है और सेवनटी गूगल यूज़र्स ने इस फिल्म को लाइक किया हुआ है हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्म सिम्बाग के बारे में तो यह फिल्म कौन सी है और यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं तो कौन कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पे कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देखने के लिए मिल सकती है इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं फिल्म सिम्बा के स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करने वाला हूँ ताकि आप भी यह फैसला कर पाएंगे कि यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो इस वीडियो से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ तो यह वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों सिम्बा एक 2018 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जो रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित और रोहित शेट्टी पिक्चर रिलायंस एंटरटेनमेंट और धर्मा प्रोडक्शन द्वारा निर्मित है शेट्टी की टॉप कॉप यूनिवर्स की तीसरी किस्त इसमें रणवीर सिंह सोनू सूद और सारा अली खान है जिसमें देवगन एक कैम्यू भूमिका में सिंघम की अपनी भूमिका दोहरा रहे हैं दो की तेलुगु फिल्म टेम्पर की रीमेक है यह फिल्म संग्राम सिंगा भालेराव का अनुसरण करती है जो सिंघम के ही शहर का एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी है जो अपने निकट के लोगों को लोगों पर त्रासदी के बाद धार्मिक धर्मी अधिक धर्मी मार का नेतृत्व करने के लिए मजबूर होता है प्रिंसिपल फोटोग्राफी जून 2018 में गोवा और कोलापुर में फिल्माए गए अधिकांश दृश्यों के साथ शुरू हुई बाकी की शूटिंग हैदराबाद और मुंबई के महबूब स्टूडियो में की गई उसी वर्ष दिसंबर की शुरुआत में शूटिंग को लपेटा गया था फिल्म का साउंड ट्रैक तनिष्क बागची लीजो जॉर्ज डी तेजस और एस थमन द्वारा रचित है जिसके बोल शब्बीर अहमद रश्मि विराग कुमार और कुणाल वर्मा ने लिखे थे साउंड ट्रैक में उन्नीस छानबे के दो गानों के रोमिक है आंख मारे मूल रूप से फिल्म तेरे मेरे सपने से और नुसरत फतेह अली खान द्वारा कवाली गीत तेरे बिन सीमा को 22 दिसंबर 2018 को खाड़ी सहयोग परिषद के देशों में रिलीज़ किया गया था फिल्म को अगले दिन भारत और अंत अन्य राष्ट्रीय क्षेत्रों में रिलीज़ किया गया था इसे रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा दुनिया भर में वितरित किया गया था फिल्म को समीक्षकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली लेकिन दो तक सिमा की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली शुरुआती फिल्म बन गई और दुनिया भर में लगभग चार सौ करोड़ से अधिक की कमाई की जो अब तक की पच्चीसवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है बात करें अगर फिल्म से जुड़े टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक हैं रोहित शेट्टी और इस फिल्म की पटकथा की है यूनिज सजवल साजिद सामजी संवाद लिखे हैं फरहाद सामजी ने और कहानी वथंकम वा वामसी द्वारा दी गई है इस फिल्म को बनाने में टोटल एक सौ करोड़ की बजट आई थी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर टोटल तीन सौ नब्बे करोड़ से भी अधिक की कमाई की है स्टारकास्ट की बात करें तो इंस्पेक्टर संग्राम भालेराव उर्फ सिम्बा के रूप में रणवीर सिंह दिखाई देंगे दुर्या यशवंत पन रानाडे के रूप में सोनू सूद सिम्बा की प्रेमिका शगुन सोठे के रूप में सारा लिखान दिखाई देंगे इस फिल्म के अंदर आशुतोष राणा हेड कांस्टेबल नित्यानंद मोहिले के रूप में दिखाई देंगे उप निरीक्षक संतोष तावड़े के रूप में सिद्धार्थ जाधव वैद्य परशुरामी आकृति देव के रूप में दिखाई देंगे स्टोरी प्लॉट की बात करें तो संग्राम सिम्बा भोलेराव शिवगढ़ का एक वीर विरोधी अनाथ है उसी शहर में जहाँ बाजीराव सिंघम का पालन पोषण हुआ जहाँ वह देखता है कि कैसे पुलिसकर्मी रिश्वत के रूप में पैसे बनाते हैं खुद को पुलिस अधिकारी बनाने के लिए प्रेरित करते हैं और सफल होते हैं कुछ स्थानीय चोरों और एक जोहरे से रिश्वत लेकर सिम्बा एक भ्रष्ट पुलिस वाले की जीवन शैली का आनंद लेती है और उसका पूरा फायदा उठाती है गृह मंत्री विनायक दत्ता द्वारा सिम्बा को जल्द ही गोवा में मिरामार पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया जाता है जहां वह शगुन छोटे को देखता है और पहली नज़र में उससे प्यार कर बैठता है वह अपने साथी पुलिसकर्मियों से मिलता है और उसका एक जूनियर नित्यानंद मोहिले जो एक ईमानदार कांस्टेबल है सीमा को सलाम करने से हिचकिचाता है क्योंकि वह एक भ्रष्ट पुलिस वाला है मरामार में अपनी योग्यता साबित करने के लिए वह दूरिया यशवंत रानाडे के भाइयों सदाशिव सदा रानाडे और गौरव गिरी रनाडे नामक एक प्रतिभाशाली गैंगस्टर द्वारा चलाए जा रहे एक पब पार्टी में बाधा डालता है और उनके अधिक पैसों की मांग करता है जबकि वादा करता है कि वह उन्हें जारी रखने देगा दुर्या सहमत हो जाता है और सिम्बा का उपयोग वामक वामन ना, राव नामक एक बूढ़े व्यक्ति की भूमि को मुक्त करने के लिए करता है जिसे सिम्बा द्वारा कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जाता है इस बीच सिम्बा कई महिलाओं और लड़कियों के साथ मातृ और बहन के बनधन विकसित करती है जिसमें एक आवृत्ति देवी होती है वह एक युवा महिला जो सिम्बा को अपने शिक्षक की याद दिलाती है आकृति सदा और गिरी के खिलाफ अपने पब में अवैध ड्रग्स का कारोबार करने और बच्चों को पैलर्स के रूप में इस्तेमाल करने के लिए शिकायत दर्ज कराती है दुर्वा द्वारा शांत किए जाने के बाद सिम्बा शुरू से इस पर ध्यान नहीं देती है और इस बीच शगुन को उससे प्यार जाता है तो दोस्तों इस फिल्म में आगे क्या होता है सिम्बा अपने मिशन में कामयाब हो पाता है या नहीं और दूरवाने का क्या होता है इस फिल्म को आपको देखने के बाद ही पता चलेगा तो अगर आप भी ये फिल्म देखना चाहते हैं तो इस फिल्म के कॉपीराइट अधिकार जी द्वारा लिया गया है तो आप भी अगर फ़िल्म देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को जी फाइव पर देख सकते हैं बात करते हैं आई रेटिंग की तो इस फिल्म को फाइव आउट ऑफ टेन की आई रेटिंग मिली है और सेवनटी गूगल यूज़र्स ने इस फिल्म को लाइक किया हुआ है हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्म सिम्बाग के बारे में तो यह फिल्म कौन सी है और यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं तो कौन कौन से ओ टी प्लेटफॉर्म पे कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देखने के लिए मिल सकती है इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं फिल्म सिम्बा के स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करने वाला हूँ ताकि आप भी यह फैसला कर पाएंगे कि यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो इस वीडियो से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ तो यह वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों सिम्बा एक 2018 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जो रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित और रोहित शेट्टी पिक्चर रिलायंस एंटरटेनमेंट और धर्मा प्रोडक्शन द्वारा निर्मित है शेट्टी की टॉप कॉप यूनिवर्स की तीसरी किस्त इसमें रणवीर सिंह सोनू सूद और सारा अली खान है जिसमें देवगन एक कैम्यू भूमिका में, में सिंघम की अपनी भूमिका दोहरा रहे हैं 2012 की तेलुगु फिल्म की रीमेक है यह फिल्म संग्राम सिंगा भालेराव का अनुसरण करती है जो सिंघम के ही शहर का एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी है जो अपने निकट के लोगों को लोगों पर त्रासदी के बाद धार्मिक धर्मी अधिक धर्मी मार का नेतृत्व करने के लिए मजबूर होता है प्रिंसिपल फोटोग्राफी जून 2018 में गोवा और कोलापुर में फिल्माए गए अधिकांश दृश्यों के साथ शुरू हुई बाकी की शूटिंग हैदराबाद और मुंबई के महबूब स्टूडियो में की गई उसी वर्ष दिसंबर की शुरुआत में शूटिंग को लपेटा गया था फिल्म का साउंड ट्रैक तनिष्क बागची लीजो जॉर्ज डी तेजस और एस थमन द्वारा रचित है जिसके बोल शब्बीर अहमद रश्मि विराग कुमार और कुणाल वर्मा ने लिखे थे साउंड ट्रैक में उन्नीस छानबे के दो गानों के रोमिक है आंख मारे मूल रूप से फिल्म तेरे मेरे सपने से और नुसरत फतेह अली खान द्वारा कवाली गीत तेरे बिन सीमा को 22 दिसंबर 2018 को खाड़ी सहयोग परिषद के देशों में रिलीज़ किया गया था फिल्म को अगले दिन भारत और अंत अन्य राष्ट्रीय क्षेत्रों में रिलीज़ किया गया था इसे रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा दुनिया भर में वितरित किया गया था फिल्म को समीक्षकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली लेकिन दो तक सिमा की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली शुरुआती फिल्म बन गई और दुनिया भर में लगभग चार सौ करोड़ से अधिक की कमाई की जो अब तक की पच्चीसवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है बात करें अगर फिल्म से जुड़े टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक हैं रोहित शेट्टी और इस फिल्म की पटकथा की है यूनो सजवल साजिद सामजी संवाद लिखे हैं फरहाद सामजी ने और कहानी वथंकम वा वामसी द्वारा दी गई है इस फिल्म को बनाने में टोटल एक सौ करोड़ की बजट आई थी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे टोटल तीन सौ नब्बे करोड़ से भी अधिक की कमाई की है स्टार कास्ट की बात करें तो इंस्पेक्टर संग्राम भालेराव उर्फ सिम्बा के रूप में रणवीर सिंह दिखाई देंगे दुर्या यशवंत पन के रूप में सोनू सूद सिम्बा की प्रेमिका शगुन सोठे के रूप में सारा लिखान दिखाई देंगे इस फिल्म के अंदर आशुतोष राणा हेड कांस्टेबल नित्यानंद मोहिले के रूप में दिखाई देंगे उप निरीक्षक संतोष तावड़े के रूप में सिद्धार्थ जाधव वह देवी रामी आकृति देव के रूप में दिखाई देंगे स्टोरी प्लॉट की बात करें तो संग्राम सिम्बा भोलेराव शिवगढ़ का एक वीर विरोधी अनाथ है उसी शहर में जहां बाजीराव सिंघम का पालन पोषण हुआ था जहां वह देखता है कि कैसे पुलिसकर्मी रिश्वत के रूप में पैसे बनाते हैं खुद को पुलिस अधिकारी बनाने के लिए प्रेरित करते हैं और सफल होते हैं कुछ स्थानीय चोरों और एक जोहरी से रिश्वत लेकर सिम्बा एक भ्रष्ट पुलिस वाले की जीवन शैली का आनंद लेती है और उसका पूरा फायदा उठाती है गृह मंत्री विनायक दत्ता द्वारा सिम्बा को जल्द ही गोवा में मिरामार पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया जाता है जहां वह शगुन छोटे को देखता है और पहली नज़र में उससे प्यार कर बैठता है वह अपने साथी पुलिसकर्मियों से मिलता है और उसका एक जूनियर नित्यानंद मोहिले जो एक ईमानदार कांस्टेबल है सीमा को सलाम करने से हिचकिचाता है क्योंकि वह एक भ्रष्ट पुलिस वाला है माममार में अपनी योग्यता साबित करने के लिए वह दूरिया यशवंत रानाडे के भाइयों सदाशिव सदा रानाडे और गौरव गिरी रानाडे नामक एक प्रतिभाशाली गैंगस्टर द्वारा चलाए जा रहे एक पब पार्टी में बाधा डालता है और उनके अधिक पैसों की मांग करता है जबकि वादा करता है कि वह उन्हें जारी रखने देगा दुर्या सहमत हो जाता है और सिम्बा का उपयोग वामक वामन ना, राव नामक एक बूढ़े व्यक्ति की भूमि को मुक्त करने के लिए करता है जिसे सिम्बा द्वारा कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जाता है इस बीच सिम्बा कई महिलाओं और लड़कियों के साथ मातृ और बहन के बंधन विकसित करती है जिसमें एक आवृत्ति देवी होती है वह एक युवा महिला जो सिम्बा को अपने शिक्षक की याद दिलाती है आकृति सदा और गिरी के खिलाफ अपने पब में अवैध ड्रग्स का कारोबार करने और बच्चों को पैलर्स के रूप में इस्तेमाल करने के लिए शिकायत दर्ज कराती है दुर्वा द्वारा शांत किए जाने के बाद सिम्बा शुरू से इस पर ध्यान नहीं देती है और इस बीच शगुन को उससे प्यार जाता है तो दोस्तों इस फिल्म में आगे क्या होता है सिम्बा अपने मिशन में कामयाब हो पाता है या नहीं और दुर्वा रहने का क्या होता है इस फिल्म को आपको देखने के बाद ही पता चलेगा तो अगर आप भी ये फिल्म देखना चाहते हैं तो इस फिल्म के कॉपीराइट अधिकार जी द्वारा लिया गया है तो आप भी अगर फ़िल्म देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को जी फाइव पर देख सकते हैं बात करते हैं आई एम डी वी रेटिंग की तो इस फिल्म को फाइव पॉइंट फाइव आउट ऑफ टेन की आई एम डी वी रेटिंग मिली है और सेवनटी फाइव परसेंट गूगल यूज़र्स ने इस फिल्म को लाइक किया हुआ है हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्म सिम्बाग के बारे में तो यह फिल्म कौन सी है और यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं तो कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देखने के लिए मिल सकती है इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं फिल्म सिम्बा के स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करने वाला हूँ ताकि आप भी यह फैसला कर पाएंगे कि यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो इस वीडियो से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ तो यह वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों सिम्बा एक 2018 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जो रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित और रोहित शेट्टी पिक्चर रिलायंस एंटरटेनमेंट और धर्मा प्रोडक्शन द्वारा निर्मित है शेट्टी की टॉप कॉप यूनिवर्स की तीसरी किस्त इसमें रणवीर सिंह सोनू सूद और सारा अली खान है जिसमें देवगन एक कैम्यू भूमिका में सिंघम की अपनी भूमिका दोहरा रहे हैं 2012 की तेलुगु फिल्म टेम्पर की रीमेक है यह फिल्म संग्राम सिंगा भालेरो का अनुसरण करती है जो सिंघम के ही शहर का एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी है जो अपने निकट के लोगों को लोगों पर त्रासदी के बाद धार्मिक धर्मी अधिक धर्मी मार का नेतृत्व करने के लिए मजबूर होता है प्रिंसिपल फोटोग्राफी जून 2018 में गोवा और कोलापुर में फिल्माए गए अधिकांश दृश्यों के साथ शुरू हुई बाकी की शूटिंग हैदराबाद और मुंबई के महबूब स्टूडियो में की गई उसी वर्ष दिसंबर की शुरुआत में शूटिंग को लपेटा गया था फिल्म का साउंड ट्रैक तनिष्क बागची लीजो जॉर्ज डी तेजस और एस थमन द्वारा रचित है जिसके बोल शब्बीर अहमद रश्मि विराग कुमार और कुणाल वर्मा ने लिखे थे साउंड ट्रैक में उन्नीस छानबे के दो गानों के रोमिक है आंख मारे मूल रूप से फिल्म तेरे मेरे सपने से और नुसरत फतेह अली खान द्वारा कवाली गीत तेरे बिन सीमा को 22 दिसंबर 2018 को खाड़ी सहयोग परिषद के देशों में रिलीज़ किया गया था फिल्म को अगले दिन भारत और अंत अन्य राष्ट्रीय क्षेत्रों में रिलीज़ किया गया था इसे रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा दुनिया भर में वितरित किया गया था फिल्म को समीक्षकों से मिश्रित समीक्षाएँ मिली लेकिन दो तक सिमा की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली शुरुआती फिल्म बन गई और दुनिया भर में लगभग 400 करोड़ थे, अधिक की कमाई की जो अब तक की पच्चीसवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है बात करें अगर फिल्म से जुड़े टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक हैं रोहित शेट्टी और इस फिल्म की पटकथा की है यूनिज सजल साजिद सामजी संवाद लिखे हैं फरहाद सामजी ने और कहानी वथंकम वा वामसी द्वारा दी गई है इस फिल्म को बनाने में टोटल एक सौ करोड़ की बजट आई थी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर टोटल तीन सौ नब्बे करोड़ से भी अधिक की कमाई की है स्टारकास्ट की बात करें तो इंस्पेक्टर संग्राम भालेराव उर्फ सिम्भा के रूप में रणवीर सिंह दिखाई देंगे दुर्या यशवंत पन रानाडे के रूप में सोनू सूद सिम्बा की प्रेमिका शगुन सोठे के रूप में सारा लिखान दिखाई देंगे इस फिल्म के अंदर आशुतोष राणा हेड कांस्टेबल नित्यानंद मोहिले के रूप में दिखाई देंगे उप निरीक्षक संतोष तावड़े के रूप में सिद्धार्थ जाधव वैद्यी परशुरामी आकृति देव के रूप में दिखाई देंगे स्टोरी प्लॉट की बात करें तो संग्राम सिम्बा भोलेराव शिवगढ़ का एक वीर विरोधी अनाथ है उसी शहर में जहाँ बाजीराव सिंगम का पालन पोषण हुआ जहां वह देखता है कि कैसे पुलिसकर्मी रिश्वत के रूप में पैसे बनाते हैं खुद को पुलिस अधिकारी बनाने के लिए प्रेरित करते हैं और सफल होते हैं कुछ स्थानीय चोरों और एक जोहरे से रिश्वत लेकर सिम्बा एक भ्रष्ट पुलिस वाले की जीवन शैली का आनंद लेती है और उसका पूरा फायदा उठाती है गृह मंत्री विनायक दत्ता द्वारा सिम्बा को जल्द ही गोवा में मिरामार पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया जाता है जहां वह शगुन छोटे को देखता है और पहली नज़र में उससे प्यार कर बैठता है वह अपने साथी पुलिसकर्मियों से मिलता है और उसका एक जूनियर नित्यानंद मोहिले जो एक ईमानदार कांस्टेबल है सीमा को सलाम करने से हिचकिचाता है क्योंकि वह एक भ्रष्ट पुलिस वाला है मरामार में अपनी योग्यता साबित करने के लिए वह दूरिया यशवंत रानाडे के भाइयों सदाशिव सदा रानाडे और गौरव गिरी रनाडे नामक एक प्रतिभाशाली गैंगस्टर द्वारा चलाए जा रहे एक पब पार्टी में बाधा डालता है और उनके अधिक पैसों की मांग करता है जबकि वादा करता है कि वह उन्हें जारी रखने देगा दुर्या सहमत हो जाता है और सिम्बा का उपयोग वामक वामन ना, राव नामक एक बूढ़े व्यक्ति की भूमि को मुक्त करने के लिए करता है जिसे सिम्बा द्वारा कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जाता है इस बीच सिम्बा कई महिलाओं और लड़कियों के साथ मातृ और बहन के बंधन विकसित करती है जिसमें एक आवृत्ति देवी होती है वह एक युवा महिला जो सिम्बा को अपने शिक्षक की याद दिलाती है आकृति सदा और गिरी के खिलाफ अपने पब में अवैध ड्रग्स का कारोबार करने और बच्चों को पैलर्स के रूप में इस्तेमाल करने के लिए शिकायत दर्ज कराती है दुर्वा द्वारा शांत किए जाने के बाद सिम्बा शुरू से इस पर ध्यान नहीं देती है और इस बीच शगुन को उससे प्यार जाता है तो दोस्तों इस फिल्म में आगे क्या होता है सिम्बा अपने मिशन में कामयाब हो पाता है या नहीं और दुर्वा रहने का क्या होता है इस फिल्म को आपको देखने के बाद ही पता चलेगा तो अगर आप भी ये फिल्म देखना चाहते हैं तो इस फिल्म के कॉपीराइट अधिकार जी द्वारा लिया गया है तो आप भी अगर फ़िल्म देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को जी फाइव पर देख सकते हैं बात करते हैं आई एम डी वी रेटिंग की तो इस फिल्म को फाइव पॉइंट फाइव आउट ऑफ टेन की आई एम डी वी रेटिंग मिली है और सेवनटी फाइव परसेंट गूगल यूज़र्स ने इस फिल्म को लाइक किया हुआ है हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्म सिम्बाग के बारे में तो यह फिल्म कौन सी है और यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं तो कौन कौन से ओटीटी टी टी प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देखने के लिए मिल सकती है इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं फिल्म सिम्बा के स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करने वाला हूँ ताकि आप भी यह फैसला कर पाएंगे कि यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो इस वीडियो से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ तो यह वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों सिम्बा एक 2018 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जो रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित और रोहित शेट्टी पिक्चर रिलायंस एंटरटेनमेंट और धर्मा प्रोडक्शन द्वारा निर्मित है शेट्टी की टॉप कॉप यूनिवर्स की तीसरी किस्त इसमें रणवीर सिंह सूद और सारा अली खान है जिसमें अजय देवगन एक कैम्यू भूमिका में सिंघम की अपनी भूमिका दोहरा रहे हैं दो की तेलुगु फिल्म टेम्पर की रीमेक है यह फिल्म संग्राम सिंगा भालेराव का अनुसरण करती है जो सिंघम के ही शहर का एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी है जो अपने निकट के लोगों को लोगों पर त्रासदी के बाद धार्मिक धर्मी अधिक धर्मी मार का नेतृत्व करने के लिए मजबूर होता है प्रिंसिपल फोटोग्राफी जून 2018 में गोवा और कोलापुर में फिल्माए गए अधिकांश दृश्यों के साथ शुरू हुई बाकी की शूटिंग हैदराबाद और मुंबई के महबूब स्टूडियो में की गई उसी वर्ष दिसंबर की शुरुआत में शूटिंग को लपेटा गया था फिल्म का साउंड ट्रैक तनिष्क बागची लीजो जॉर्ज डी तेजस और एस थमन द्वारा रचित है जिसके बोल शब्बीर अहमद रश्मि विराग कुमार और कुणाल वर्मा ने लिखे थे साउंड ट्रैक में उन्नीस छानबे के दो गानों के रोमिक है आंख मारे मूल रूप से फिल्म तेरे मेरे सपने से और नुसरत फतेह अली खान द्वारा कवाली गीत तेरे बिन सीमा को 22 दिसंबर 2018 को खाड़ी सहयोग परिषद के देशों में रिलीज़ किया गया था फिल्म को अगले दिन भारत और अंत अन्य राष्ट्रीय क्षेत्रों में रिलीज़ किया गया था इसे रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा दुनिया भर में वितरित किया गया था फिल्म को समीक्षकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली लेकिन दो तक सिमा की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली शुरुआती फिल्म बन गई और दुनिया भर में लगभग 400 करोड़ थे अधिक की कमाई की जो अब तक की पच्चीसवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है बात करें अगर फिल्म से जुड़े टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक हैं रोहित शेट्टी और इस फिल्म की पटकथा की है यूनुस सजल साजिद सामजी संवाद लिखे हैं फरहाद सामजी ने और कहानी वथंकम वा वामसी द्वारा दी गई है इस फिल्म को बनाने में टोटल एक सौ करोड़ की बजट आई थी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे टोटल तीन सौ नब्बे करोड़ से भी अधिक की कमाई की है स्टार कास्ट की बात करें तो इंस्पेक्टर संग्राम भालेराव उर्फ सिम्भा के रूप में रणवीर सिंह दिखाई देंगे दुर्या यशवंत पन रानाडे के रूप में सोनू सूद सिम्बा की प्रेमिका शगुन सोठे के रूप में सारा लिखान दिखाई देंगे इस फिल्म के अंदर आशुतोष राणा हेड कांस्टेबल नित्यानंद मोहिले के रूप में दिखाई देंगे उप निरीक्षक संतोष तावड़े के रूप में सिद्धार्थ जाधव वह देवी रामी आकृति देव के रूप में दिखाई देंगे स्टोरी प्लॉट की बात करें तो संग्राम सिम्बा भोलेराव शिवगढ़ का एक वीर विरोधी अनाथ है उसी शहर में जहाँ बाजीराव सिंघम का पालन पोषण हुआ था जहाँ वह देखता है कि कैसे पुलिसकर्मी रिश्वत के रूप में पैसे बनाते हैं खुद को पुलिस अधिकारी बनाने के लिए प्रेरित करते हैं और सफल होते हैं कुछ स्थानीय चोरों और एक जोहरे से रिश्वत लेकर सिम्बा एक भ्रष्ट पुलिस वाले की जीवन शैली का आनंद लेती है और उसका पूरा फायदा उठाती है गृह मंत्री विनायक दत्ता द्वारा सिम्बा को जल्द ही गोवा में मिरामार पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया जाता है जहां वह शगुन छोटे को देखता है और पहली नज़र में उससे प्यार कर बैठता है वह अपने साथी पुलिसकर्मियों से मिलता है और उसका एक जूनियर नित्यानंद मोयले जो एक ईमानदार कांस्टेबल है सिम्बा को सलाम करने से हिचकिचाता है क्योंकि वह एक भ्रष्ट पुलिस वाला है मीरामार में अपनी योग्यता साबित करने के लिए वह दूरिया यशवंत रानाडे के भाइयों सदा रानाडे और गौरव गिरी रनाडे नामक एक प्रतिभाशाली गैंगस्टर द्वारा चलाए जा रहे एक पब पार्टी में बाधा डालता है और उनके अधिक पैसों की मांग करता है जबकि वादा करता है कि वह उन्हें जारी रखने देगा दूरिया सहमत हो जाता है और सिम्बा का उपयोग वामक वामन ना नामक एक बूढ़े व्यक्ति की भूमि को मुक्त करने के लिए करता है जिसे सिम्बा द्वारा कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जाता है इस बीच सिम्बा कई महिलाओं और लड़कियों के साथ मात्र और बहन के बंधन विकसित करती है जिसमें एक आवृत्ति देवी होती है वह एक युवा महिला जो सिम्बा को अपने शिक्षक की याद दिलाती है आकृति सदा और गिरी के खिलाफ अपने पब में अवैध ड्रग्स का कारोबार करने और बच्चों को पैलर्स के रूप में इस्तेमाल करने के लिए शिकायत दर्ज कराती है दुर्वा द्वारा शांत किए जाने के बाद सिम्बा शुरू से इस पर ध्यान नहीं देती है और इस बीच शगुन को उससे प्यार जाता है तो दोस्तों इस फिल्म में आगे क्या होता है सिम्बा अपने मिशन में कामयाब हो पाता है या नहीं और दूरवाने का क्या होता है इस फिल्म को आपको देखने के बाद ही पता चलेगा तो अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं तो इस फिल्म के कॉपीराइट अधिकार जी द्वारा लिया गया है तो आप भी अगर फ़िल्म देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को जी फाइव पर देख सकते हैं बात करते हैं आई एम डी वी रेटिंग की तो इस फिल्म को फाइव पॉइंट फाइव आउट ऑफ टेन की आई एम डी वी रेटिंग मिली है और 75% फाइव परसेंट गूगल यूज़र्स ने इस फिल्म को लाइक किया हुआ है हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्म सिम्बाग के बारे में तो यह फिल्म कौन सी है और यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं तो कौन कौन से ओटीटी टी प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देखने के लिए मिल सकती है इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं फिल्म सिम्बा के स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करने वाला हूँ ताकि आप भी यह फ़ैसला कर पाएंगे कि यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो इस वीडियो से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं तो यह वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों सिम्बा एक 2018 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जो रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित और रोहित शेट्टी पिक्चर रिलायंस एंटरटेनमेंट और धर्मा प्रोडक्शन द्वारा निर्मित है शेट्टी की टॉप कॉप यूनिवर्स की तीसरी किस्त इसमें रणवीर सिंह सुनु सूद और सारा अली खान है जिसमें देवगन एक कैम्यू भूमिका में सिंघम की अपनी भूमिका दोहरा रहे हैं दो की तेलुगु फिल्म टेम्पर की रीमेक है यह फिल्म संग्राम सिंगा भालेराव का अनुसरण करती है जो सिंघम के ही शहर का एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी है जो अपने निकट के लोगों को लोगों पर त्रासदी के बाद धार्मिक धर्मी अधिक धर्मी मार का नेतृत्व करने के लिए मजबूर होता है प्रिंसिपल फोटोग्राफी जून 2018 में गोवा और कोलापुर में फिल्माए गए अधिकांश दृश्यों के साथ शुरू हुई बाकी की शूटिंग हैदराबाद और मुंबई के महबूब स्टूडियो में की गई उसी वर्ष दिसंबर की शुरुआत में शूटिंग को लपेटा गया था फिल्म का साउंड ट्रैक तनिष्क बागची लीजो जॉर्ज डी तेजस और एस थमन द्वारा रचित है जिसके बोल शब्बीर अहमद रश्मि विराग कुमार और कुणाल वर्मा ने लिखे थे साउंड ट्रैक में उन्नीस छानबे के दो गानों के रोमिक है आंख मारे मूल रूप से फिल्म तेरे मेरे सपने से और नुसरत फतेह अली खान द्वारा कवाली गीत तेरे बिन सीमा को बाईस दिसंबर 2018 को खाड़ी सहयोग परिषद के देशों में रिलीज़ किया गया था फिल्म को अगले दिन भारत और अंत अन्य राष्ट्रीय क्षेत्रों में रिलीज़ किया गया था इसे रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा दुनिया भर में वितरित किया गया था फिल्म को समीक्षकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली लेकिन दो तक सिमा की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली शुरुआती फिल्म बन गई और दुनिया भर में लगभग 400 करोड़ थे अधिक की कमाई की जो अब तक की पच्चीसवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है बात करें अगर फिल्म से जुड़े टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक हैं रोहित शेट्टी और इस फिल्म की पटकथा की है यूनिज सजल साजिद सामजी संवाद लिखे हैं फरहाद सामजी ने और कहानी वथंकम वा वामसी द्वारा दी गई है इस फिल्म को बनाने में टोटल एक सौ करोड़ की बजट आई थी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे टोटल तीन सौ नब्बे करोड़ से भी अधिक की कमाई की है स्टार कास्ट की बात करें तो इंस्पेक्टर संग्राम भालेराव उर्फ सिम्भा के रूप में रणवीर सिंह दिखाई देंगे दुरिया यशवंत पन रणाडे के रूप में सोनू सूद सिम्बा की प्रेमिका शगुन सोठे के रूप में सारा खान दिखाई देंगे इस फिल्म के अंदर आशुतोष राणा हेड कांस्टेबल नित्यानंद मोहिले के रूप में दिखाई देंगे उप निरीक्षक संतोष तावड़े के रूप में सिद्धार्थ जाधव वह देवी परुशो रामी आकृति देव के रूप में दिखाई देंगे स्टोरी प्लॉट की बात करें तो संग्राम सिम्बा भोलेराव शिवगढ़ का एक वीर विरोधी अनाथ है उसी शहर में जहाँ बाजीराव सिंघम का पालन पोषण हुआ था जहाँ वह देखता है कि कैसे पुलिसकर्मी रिश्वत के रूप में पैसे बनाते हैं खुद को पुलिस अधिकारी बनाने के लिए प्रेरित करते हैं और सफल होते हैं कुछ स्थानीय चोरों और एक जोहरी से रिश्वत लेकर सिम्बा एक भ्रष्ट पुलिस वाले की जीवन शैली का आनंद लेती है और उसका पूरा फायदा उठाती है गृह मंत्री विनायक दत्ता द्वारा सिम्बा को जल्द ही गोवा में मिरामार पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया जाता है जहां वह शगुन छोटे को देखता है और पहली नज़र में उससे प्यार कर बैठता है वह अपने साथी पुलिसकर्मियों से मिलता है और उसका एक जूनियर नित्यानंद मोयले जो एक ईमानदार कांस्टेबल है सीमा को सलाम करने से हिचकिचाता है क्योंकि वह एक भ्रष्ट पुलिस वाला है मरामार में अपनी योग्यता साबित करने के लिए वह दूरिया यशवंत रानाडे के भाइयों सदाशिव सदा रानाडे और गौरव गिरी रनाडे नामक एक प्रतिभाशाली गैंगस्टर द्वारा चलाए जा रहे एक पब पार्टी में बाधा डालता है और उनके अधिक पैसों की मांग करता है जबकि वादा करता है कि वह उन्हें जारी रखने देगा दुर्या सहमत हो जाता है और सिम्बा का उपयोग वामक वामन ना, राव नामक एक बूढ़े व्यक्ति की भूमि को मुक्त करने के लिए करता है जिसे सिम्बा द्वारा कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जाता है इस बीच सिम्बा कई महिलाओं और लड़कियों के साथ मात्र और बहन के बंधन विकसित करती है जिसमें एक आवृत्ति देवी होती है वह एक युवा महिला जो सिम्बा को अपने शिक्षक की याद दिलाती है आकृति सदा और गिरी के खिलाफ अपने पब में अवैध ड्रग्स का कारोबार करने और बच्चों को पैलर्स के रूप में इस्तेमाल करने के लिए शिकायत दर्ज कराती है दुर्वा द्वारा शांत किए जाने के बाद सिम्बा शुरू से इस पर ध्यान नहीं देती है और इस बीच शगुन को उससे प्यार जाता है तो दोस्तों इस फिल्म में आगे क्या होता है सिम्बा अपने मिशन में कामयाब हो पाता है या नहीं और दुर्वा रहने का क्या होता है इस फिल्म को आपको देखने के बाद ही पता चलेगा तो अगर आप भी यह फिल्म देखना चाहते हैं तो इस फिल्म के कॉपीराइट अधिकार जी द्वारा लिए गए हैं तो आप भी अगर फ़िल्म देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को जी फाइव पर देख सकते हैं बात करते हैं आई एम डी वी रेटिंग की तो इस फिल्म को फाइव पॉइंट फाइव आउट ऑफ टेन की आई एम डी वी रेटिंग मिली है और सेवनटी फाइव परसेंट गूगल यूज़र्स ने इस फिल्म को लाइक किया हुआ है हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्म सिम्बाग के बारे में तो यह फिल्म कौन सी है और यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं तो कौन कौन से ओटीटी टी टी प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देखने के लिए मिल सकती है इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं फिल्म सिम्बा के स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करने वाला हूँ ताकि आप भी यह फैसला कर पाएंगे कि यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो इस वीडियो से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ तो यह वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों सिम्बा एक 2018 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जो रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित और रोहित शेट्टी पिक्चर रिलायंस एंटरटेनमेंट और धर्मा प्रोडक्शन द्वारा निर्मित है शेट्टी की टॉप कॉप यूनिवर्स की तीसरी किस्त इसमें रणवीर सिंह सोनू सूद और सारा अली खान है जिसमें देवगन एक कैम्यू भूमिका में सिंघम की अपनी भूमिका दोहरा रहे हैं 2012 की तेलुगु फिल्म टेम्पर की रीमेक है यह फिल्म संग्राम सिंगा भालेराव का अनुसरण करती है जो सिंघम के ही शहर का एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी है जो अपने निकट के लोगों को लोगों पर त्रासदी के बाद धार्मिक धर्मी अधिक धर्मी मार का नेतृत्व करने के लिए मजबूर होता है प्रिंसिपल फोटोग्राफी जून 2018 में गोवा और कोलापुर में फिल्माए गए अधिकांश दृश्यों के साथ शुरू हुई बाकी की शूटिंग हैदराबाद और मुंबई के महबूब स्टूडियो में की गई उसी वर्ष दिसंबर की शुरुआत में शूटिंग को लपेटा गया था फिल्म का साउंड ट्रैक तनिष्क बागची लीजो जॉर्ज डी तेजस और एस थमन द्वारा रचित है जिसके बोल शब्बीर अहमद रश्मि विराग कुमार और कुणाल वर्मा ने लिखे थे साउंड ट्रैक में उन्नीस छानबे के दो गानों के रोमिक है आंख मारे मूल रूप से फिल्म तेरे मेरे सपने से और नुसरत फतेह अली खान द्वारा कवाली गीत तेरे बिन सीमा को बाईस दिसंबर 2018 को खाड़ी सहयोग परिषद के देशों में रिलीज़ किया गया था फिल्म को अगले दिन भारत और अंत अन्य राष्ट्रीय क्षेत्रों में रिलीज़ किया गया था इसे रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा दुनिया भर में वितरित किया गया था फिल्म को समीक्षकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली लेकिन दो तक सिमा की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली शुरुआती फिल्म बन गई और दुनिया भर में लगभग 400 करोड़ अधिक की कमाई की जो अब तक की पच्चीसवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है बात करें अगर फिल्म से जुड़े टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक हैं रोहित शेट्टी और इस फिल्म की पटकथा की है यूनुस सजवल साजिद सामजी संवाद लिखे हैं फरहाद सामजी ने और कहानी वथंकम वा वामसी द्वारा दी गई है इस फिल्म को बनाने में टोटल एक सौ करोड़ की बजट आई थी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे टोटल तीन सौ नब्बे करोड़ से भी अधिक की कमाई की है स्टार कास्ट की बात करें तो इंस्पेक्टर संग्राम भालेराव उर्फ सिम्बा के रूप में रणवीर सिंह दिखाई देंगे दूरिया यशवंत पन रणाडे के रूप में सोनू सूद सिम्बा की प्रेमिका शगुन सोठे के रूप में सारा लिखा दिखाई देंगे इस फिल्म के अंदर आशुतोष राणा हेड कांस्टेबल नित्यानंद मोहिले के रूप में दिखाई देंगे उप निरीक्षक संतोष तावड़े के रूप में सिद्धार्थ जाधव वह देवी परुशो रामी आकृति देव के रूप में दिखाई देंगे स्टोरी प्लॉट की बात करें तो संग्राम सिम्बा भोलेराव शिवगढ़ का एक वीर विरोधी अनाथ है उसी शहर में जहां बाजीराव सिंघम का पालन पोषण हुआ था जहां वह देखता है कि कैसे पुलिसकर्मी रिश्वत के रूप में पैसे बनाते हैं खुद को पुलिस अधिकारी बनाने के लिए प्रेरित करते हैं और सफल होते हैं कुछ स्थानीय चोरों और एक जोहरे से रिश्वत लेकर सिम्बा एक भ्रष्ट पुलिस वाले की जीवन शैली का आनंद लेती है और उसका पूरा फायदा उठाती है गृह मंत्री विनायक दत्ता द्वारा सिम्बा को जल्द ही गोवा में मिरामार पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया जाता है जहां वह शगुन छोटे को देखता है और पहली नज़र में उससे प्यार कर बैठता है वह अपने साथी पुलिसकर्मियों से मिलता है और उसका एक जूनियर नित्यानंद मोहले जो एक ईमानदार कांस्टेबल है सिम्बा को सलाम करने से हिचकिचाता है क्योंकि वह एक भ्रष्ट पुलिस वाला है मेरामार में अपनी योग्यता साबित करने के लिए वह दूरिया यशवंत रानाडे के भाइयों सदा रानाडे और गौरव गिरी रानाडे नामक एक प्रतिभाशाली गैंगस्टर द्वारा चलाए जा रहे एक पब पार्टी में बाधा डालता है और उनके अधिक पैसों की मांग करता है जबकि वादा करता है कि वह उन्हें जारी रखने देगा दूरिया सहमत हो जाता है और सिम्बा का उपयोग वामक वामन ना राव नामक एक बूढ़े व्यक्ति की भूमि को मुक्त करने के लिए करता है जिसे सिम्बा द्वारा कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जाता है इस बीच सिम्बा कई महिलाओं और लड़कियों के साथ मातृ और बहन के बंधन विकसित करती है जिसमें एक आवृत्ति देवी होती है वह एक युवा महिला जो सिम्बा को अपने शिक्षक की याद दिलाती है आकृति सदा और गिरी के खिलाफ अपने पब में अवैध ड्रग्स का कारोबार करने और बच्चों को पैलर्स के रूप में इस्तेमाल करने के लिए शिकायत दर्ज कराती है दुर्वा द्वारा शांत किए जाने के बाद सिम्बा शुरू से इस पर ध्यान नहीं देती है और इस बीच शगुन को उससे प्यार जाता है तो दोस्तों इस फिल्म में आगे क्या होता है सिम्बा अपने मिशन में कामयाब हो पाता है या नहीं और दुर्वा आने का क्या होता है इस फिल्म को आपको देखने के बाद ही पता चलेगा तो अगर आप भी ये फिल्म देखना चाहते हैं तो इस फिल्म के कॉपी अधिकार जी द्वारा लिए गए हैं तो आप भी अगर फ़िल्म देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को जी फाइव पर देख सकते हैं बात करते हैं आई एम डी वी रेटिंग की तो इस फिल्म को फाइव पॉइंट फाइव आउट ऑफ टेन की आई एम डी वी रेटिंग मिली है और सेवनटी फाइव परसेंट गूगल यूज़र्स ने इस फिल्म को लाइक किया हुआ है हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्म सिम्बाग के बारे में तो यह फिल्म कौन सी है और यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं तो कौन कौन से ओटीटी टी प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देखने के लिए मिल सकती है इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं फिल्म सिम्बा के स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करने वाला हूँ ताकि आप भी यह फैसला कर पाएंगे कि यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो इस वीडियो से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं तो यह वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों सिम्बा एक 2018 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जो रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित और रोहित शेट्टी पिक्चर रिलायंस एंटरटेनमेंट और धर्मा प्रोडक्शन द्वारा निर्मित है शेट्टी की टॉप कॉप यूनिवर्स की तीसरी किस्त इसमें रणवीर सिंह सोनू सूद और सारा अली खान है जिसमें देवगन एक कैम्यू भूमिका में सिंघम की अपनी भूमिका दोहरा रहे हैं 2012 की तेलुगु फिल्म टेम्पर की रीमेक है यह फिल्म संग्राम सिंगा भालेराव का अनुसरण करती है जो सिंघम के ही शहर का एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी है जो अपने निकट के लोगों को लोगों पर त्रासदी के बाद धार्मिक धर्मी अधिक धर्मी मार का नेतृत्व करने के लिए मजबूर होता है प्रिंसिपल फोटोग्राफी जून 2018 में गोवा और कोलापुर में फिल्माए गए अधिकांश दृश्यों के साथ शुरू हुई बाकी की शूटिंग हैदराबाद और मुंबई के महबूब स्टूडियो में की गई उसी वर्ष दिसंबर की शुरुआत में शूटिंग को लपेटा गया था फिल्म का साउंड ट्रैक तनिष्क बागची लीजो जॉर्ज डी तेजस और एस थमन द्वारा रचित है जिसके बोल शब्बीर अहमद रश्मि विराग कुमार और कुणाल वर्मा ने लिखे थे साउंड ट्रैक में उन्नीस छानबे के दो गानों के रोमिक है आंख मारे मूल रूप से फिल्म तेरे मेरे सपने से और नुसरत फतेह अली खान द्वारा कवाली गीत तेरे बिन सीमा को 22 दिसंबर 2018 को खाड़ी सहयोग परिषद के देशों में रिलीज़ किया गया था फिल्म को अगले दिन भारत और अंत अन्य राष्ट्रीय क्षेत्रों में रिलीज़ किया गया था इसे रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा दुनिया भर में वितरित किया गया था फिल्म को समीक्षकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली लेकिन दो तक सिमा की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली शुरुआती फिल्म बन गई और दुनिया भर में लगभग सौ करोड़ से अधिक की कमाई की जो अब तक की पच्चीसवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है बात करें अगर फिल्म से जुड़े टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक हैं रोहित शेट्टी और इस फिल्म की पटकथा की है यूनुस सजवल साजिद सामजी संवाद लिखे हैं फरहाद सामजी ने और कहानी वथंकम वा वामसी द्वारा दी गई है इस फिल्म को बनाने में टोटल एक सौ करोड़ की बजट आई थी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे टोटल तीन सौ नब्बे करोड़ से भी अधिक की कमाई की है स्टार कास्ट की बात करें तो इंस्पेक्टर संग्राम भालेराव उर्फ सिम्बा के रूप में रणवीर सिंह दिखाई देंगे दूरिया यशवंत पन रणाडे के रूप में सोनू सूद सिम्बा की प्रेमिका शगुन सोठे के रूप में सारा लिखान दिखाई देंगे इस फिल्म के अंदर आशुतोष राणा हेड कांस्टेबल नित्यानंद मोहिले के रूप में दिखाई देंगे उप निरीक्षक संतोष तावड़े के रूप में सिद्धार्थ जाधव वह देवी परुशो रामी आकृति देव के रूप में दिखाई देंगे स्टोरी प्लॉट की बात करें तो संग्राम सिम्बा भोलेराव शिवगढ़ का एक वीर विरोधी अनाथ है उसी शहर में जहाँ बाजीराव सिंघम का पालन पोषण हुआ था जहाँ वह देखता है कि कैसे पुलिसकर्मी रिश्वत के रूप में पैसे बनाते हैं खुद को पुलिस अधिकारी बनाने के लिए प्रेरित करते हैं और सफल होते हैं कुछ स्थानीय चोरों और एक जोहरी से रिश्वत लेकर सिम्बा एक भ्रष्ट पुलिस वाले की जीवन शैली का आनंद लेती है और उसका पूरा फायदा उठाती है गृह मंत्री विनायक दत्ता द्वारा सिम्बा को जल्द ही गोवा में मिरामार पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया जाता है जहां वह शगुन छोटे को देखता है और पहली नज़र में उससे प्यार कर बैठता है वह अपने साथी पुलिसकर्मियों से मिलता है और उसका एक जूनियर नित्यानंद मोयले जो एक ईमानदार कांस्टेबल है सिम्बा को सलाम करने से हिचकिचाता है क्योंकि वह एक भ्रष्ट पुलिस वाला है मीरामार में अपनी योग्यता साबित करने के लिए वह दूरिया यशवंत रानाडे के भाइयों सदा रानाडे और गौरव गिरी रानाडे नामक एक प्रतिभाशाली गैंगस्टर द्वारा चलाए जा रहे एक पब पार्टी में बाधा डालता है और उनके अधिक पैसों की मांग करता है जबकि वादा करता है कि वह उन्हें जारी रखने देगा दूरिया सहमत हो जाता है और सिम्बा का उपयोग वामक वामन ना नामक एक बूढ़े व्यक्ति की भूमि को मुक्त करने के लिए करता है जिसे सिम्बा द्वारा कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जाता है इस बीच सिम्बा कई महिलाओं और लड़कियों के साथ मात्र और बहन के बंधन विकसित करती है जिसमें एक आवृत्ति देवी होती है वह एक युवा महिला जो सिम्बा को अपने शिक्षक की याद दिलाती है आकृति सदा और गिरी के खिलाफ अपने पब में अवैध ड्रग्स का कारोबार करने और बच्चों को पैलर्ट्स के रूप में इस्तेमाल करने के लिए शिकायत दर्ज कराती है दुर्वा द्वारा शांत किए जाने के बाद सिम्बा शुरू से इस पर ध्यान नहीं देती है और इस बीच शगुन को उससे प्यार जाता है तो दोस्तों इस फिल्म में आगे क्या होता है सिम्बा अपने मिशन में कामयाब हो पाता है या नहीं और दुर्वा रहने का क्या होता है इस फिल्म को आपको देखने के बाद ही पता चलेगा तो अगर आप भी ये फिल्म देखना चाहते हैं तो इस फिल्म के कॉपीराइट अधिकार जी द्वारा लिए गए हैं तो आप भी अगर फ़िल्म देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को जी फाइव पर देख सकते हैं बात करते हैं आई एम डी वी रेटिंग की तो इस फिल्म को फाइव पॉइंट फाइव आउट ऑफ टेन की आई एम डी वी रेटिंग मिली है और सेवनटी फाइव परसेंट गूगल यूज़र्स ने इस फिल्म को लाइक किया हुआ है हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्म सिम्बाग के बारे में तो यह फिल्म कौन सी है और यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं तो कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से यूट्यूब चैनल पर और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देखने के लिए मिल सकती है इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं फिल्म सिम्बा के स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करने वाला हूँ ताकि आप भी यह फैसला कर पाएंगे कि यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो इस वीडियो से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ तो यह वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों सिम्बा एक 2018 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जो रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित और रोहित शेट्टी पिक्चर रिलायंस एंटरटेनमेंट और धर्मा प्रोडक्शन द्वारा निर्मित है शेट्टी की टॉप कॉप यूनिवर्स की तीसरी किस्त इसमें रणवीर सिंह सोनू सूद और सारा अली खान है जिसमें देवगन एक कैम्यू भूमिका में, में सिंघम की अपनी भूमिका दोहरा रहे हैं 2012 की तेलुगु फिल्म टेम्पर की रीमेक है यह फिल्म संग्राम सिंघा भालेराव का अनुसरण करती है जो सिंघम के ही शहर का एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी है जो अपने निकट के लोगों को लोगों पर त्रासदी के बाद धार्मिक धर्मी अधिक धर्मी मार का नेतृत्व करने के लिए मजबूर होता है प्रिंसिपल फोटोग्राफी जून 2018 में गोवा और कोलापुर में फिल्माए गए अधिकांश दृश्यों के साथ शुरू हुई बाकी की शूटिंग हैदराबाद और मुंबई के महबूब स्टूडियो में की गई उसी वर्ष दिसंबर की शुरुआत में शूटिंग को लपेटा गया था फिल्म का साउंड ट्रैक तनिष्क बागची लीजो जॉर्ज डी तेजस और एस थमन द्वारा रचित है जिसके बोल शब्बीर अहमद रश्मि विराग कुमार और कुणाल वर्मा ने लिखे थे साउंड ट्रैक में उन्नीस छानबे के दो गानों के रोमिक है आंख मारे मूल रूप से फिल्म तेरे मेरे सपने से और नुसरत फतेह अली खान द्वारा कवाली गीत तेरे बिन सीमा को बाईस दिसंबर 2018 को खाड़ी सहयोग परिषद के देशों में रिलीज़ किया गया था फिल्म को अगले दिन भारत और अंत अन्य राष्ट्रीय क्षेत्रों में रिलीज़ किया गया था इसे रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा दुनिया भर में वितरित किया गया था फिल्म को समीक्षकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली लेकिन दो तक सिमा की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली शुरुआती फिल्म बन गई और दुनिया भर में लगभग सौ करोड़ से अधिक की कमाई की जो अब तक की पच्चीसवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है बात करें अगर फिल्म से जुड़े टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक हैं रोहित शेट्टी और इस फिल्म की पटकथा की है यूनिज सजवल साजिद सामजी संवाद लिखे हैं फरहाद सामजी ने और कहानी वथंकम वा वामसी द्वारा दी गई है इस फिल्म को बनाने में टोटल एक सौ करोड़ की बजट आई थी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे टोटल तीन सौ नब्बे करोड़ से भी अधिक की कमाई की है स्टार कास्ट की बात करें तो इंस्पेक्टर संग्राम भालेराव उर्फ सिम्बा के रूप में रणवीर सिंह दिखाई देंगे दुर्या यशवंत पन रणाडे के रूप में सोनू सूद सिम्बा की प्रेमिका शगुन सोठे के रूप में सारा लिखान दिखाई देंगे इस फिल्म के अंदर आशुतोष राणा हेड कांस्टेबल नित्यानंद मोहिले के रूप में दिखाई देंगे उप निरीक्षक संतोष तावड़े के रूप में सिद्धार्थ जादव वैद्य परशु रामी आकृति देव के रूप में दिखाई देंगे स्टोरी प्लॉट की बात करें तो संग्राम सिम्बा भोलेराव शिवगढ़ का एक वीर विरोधी अनाथ है उसी शहर में जहाँ बाजीराव सिंघम का पालन पोषण हुआ था जहां वह देखता है कि कैसे पुलिसकर्मी रिश्वत के रूप में पैसे बनाते हैं खुद को पुलिस अधिकारी बनाने के लिए प्रेरित करते हैं और सफल होते हैं कुछ स्थानीय चोरों और एक जोहरी से रिश्वत लेकर सिम्बा एक भ्रष्ट पुलिस वाले की जीवन शैली का आनंद लेती है और उसका पूरा फायदा उठाती है गृह मंत्री विनायक दत्ता द्वारा सिम्बा को जल्द ही गोवा में मिरामार पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया जाता है जहां वह शगुन छोटे को देखता है और पहली नज़र में उससे प्यार कर बैठता है वह अपने साथी पुलिसकर्मियों से मिलता है और उसका एक जूनियर नित्यानंद मोहिले जो एक ईमानदार कांस्टेबल है सीमा को सलाम करने से हिचकिचाता है क्योंकि वह एक भ्रष्ट पुलिस वाला है माममार में अपनी योग्यता साबित करने के लिए वह दूरिया यशवंत रानाडे के भाइयों सदाशिव सदा रानाडे और गौरव गिरी रनाडे नामक एक प्रतिभाशाली गैंगस्टर द्वारा चलाए जा रहे एक पब पार्टी में बाधा डालता है और उनके अधिक पैसों की मांग करता है जबकि वादा करता है कि वह उन्हें जारी रखने देगा दुर्या सहमत हो जाता है और सिम्बा का उपयोग वामक वामन ना, राव नामक एक बूढ़े व्यक्ति की भूमि को मुक्त करने के लिए करता है जिसे सिम्बा द्वारा कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जाता है इस बीच सिम्बा कई महिलाओं और लड़कियों के साथ मात्र और बहन के बंधन विकसित करती है जिसमें एक आवृत्ति देवी होती है वह एक युवा महिला जो सिम्बा को अपने शिक्षक की याद दिलाती है आकृति सदा और गिरी के खिलाफ अपने पब में अवैध ड्रग्स का कारोबार करने और बच्चों को पैलर्स के रूप में इस्तेमाल करने के लिए शिकायत दर्ज कराती है दुर्वा द्वारा शांत किए जाने के बाद सिम्बा शुरू से इस पर ध्यान नहीं देती है और इस बीच शगुन को उससे प्यार जाता है तो दोस्तों इस फिल्म में आगे क्या होता है सिम्बा अपने मिशन में कामयाब हो पाता है या नहीं और दूर्वाने का क्या होता है इस फिल्म को आपको देखने के बाद ही पता चलेगा तो अगर आप भी ये फिल्म देखना चाहते हैं तो इस फिल्म के कॉपीराइट अधिकार जी द्वारा लिए गए हैं तो आप भी अगर फ़िल्म देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को जी फाइव पर देख सकते हैं बात करते हैं आई एम डी वी रेटिंग के तो इस फिल्म को फाइव पॉइंट फाइव आउट ऑफ टेन की आई एम डी वी रेटिंग मिली है और सेवनटी फाइव परसेंट गूगल यूज़र्स ने इस फिल्म को लाइक किया हुआ है हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्म सिम्बाग के बारे में तो यह फिल्म कौन सी है और यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं तो कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से यूट्यूब चैनल पर और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देखने के लिए मिल सकती है इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं फिल्म सिम्बा के स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करने वाला हूँ ताकि आप भी यह फैसला कर पाएंगे कि यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो इस वीडियो से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ तो यह वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों सिम्बा एक 2018 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जो रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित और रोहित शेट्टी पिक्चर रिलायंस एंटरटेनमेंट और धर्मा प्रोडक्शन द्वारा निर्मित है शेट्टी की टॉप कॉप यूनिवर्स की तीसरी किस्त इसमें रणवीर सिंह सोनू सूद और सारा अली खान है जिसमें देवगन एक कैम्यू भूमिका में सिंघम की अपनी भूमिका दोहरा रहे हैं 2012 की तेलुगु फिल्म टेम्पर की रीमेक है यह फिल्म संग्राम सिंगा भालेराव का अनुसरण करती है जो सिंघम के ही शहर का एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी है जो अपने निकट के लोगों को लोगों पर त्रासदी के बाद धार्मिक धर्मी अधिक धर्मी मार्ग का नेतृत्व करने के लिए मजबूर होता है प्रिंसिपल फोटोग्राफी जून 2018 में गोवा और कोलापुर में फिल्माए गए अधिकांश दृश्यों के साथ शुरू हुई बाकी की शूटिंग हैदराबाद और मुंबई के महबूब स्टूडियो में की गई उसी वर्ष दिसंबर की शुरुआत में शूटिंग को लपेटा गया था फिल्म का साउंड ट्रैक तनिष्क बागची लीजो जॉर्ज डीजे तेजस और एस थमन द्वारा रचित है जिसके बोल शब्बीर अहमद रश्मि विराग कुमार और कुणाल वर्मा ने लिखे थे साउंड ट्रैक में उन्नीस सौ छानबे के दो गानों के रोमिक है आंख मारे मूल रूप से फिल्म तेरे मेरे सपने से और नुसरत फतेह अली खान द्वारा कवाली गीत तेरे बिन सीमा को 22 दिसंबर 2018 को खाड़ी सहयोग परिषद के देशों में रिलीज़ किया गया था फिल्म को अगले दिन भारत और अंत अन्य राष्ट्रीय क्षेत्रों में रिलीज़ किया गया था इसे रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा दुनिया भर में वितरित किया गया था फिल्म को समीक्षकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली लेकिन दो तक सिमा की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली शुरुआती फिल्म बन गई और दुनिया भर में लगभग चार सौ करोड़ से अधिक की कमाई की जो अब तक की पच्चीसवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है बात करें अगर फिल्म से जुड़े टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक हैं रोहित शेट्टी और इस फिल्म की पटकथा की यूनुस सजवल साजिद सामजी संवाद लिखे हैं फरहाद सामजी ने और कहानी वथंकम वा वामसी द्वारा दी गई है इस फिल्म को बनाने में टोटल एक सौ करोड़ की बजट आई थी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर टोटल तीन सौ नब्बे करोड़ से भी अधिक की कमाई की है स्टार कास्ट की बात करें तो इंस्पेक्टर संग्राम भालेराव उर्फ सिम्बा के रूप में रणवीर सिंह दिखाई देंगे दुर्या यशवंत पन रणाडे के रूप में सोनू सूद सिम्बा की प्रेमिका शगुन सोठे के रूप में सारा लिखान दिखाई देंगे इस फिल्म के अंदर आशुतोष राणा हेड कांस्टेबल नित्यानंद मोहिले के रूप में दिखाई देंगे उप निरीक्षक संतोष तावड़े के रूप में सिद्धार्थ जाधव वैद्य परशु रामी आकृति देव के रूप में दिखाई देंगे स्टोरी प्लॉट की बात करें तो संग्राम सिम्बा भोलेराव शिवगढ़ का एक वीर विरोधी अनाथ है उसी शहर में जहाँ बाजीराव सिंह का पालन पोषण हुआ था जहाँ वह देखता है कि कैसे पुलिसकर्मी रिश्वत के रूप में पैसे बनाते हैं खुद को पुलिस अधिकारी बनाने के लिए प्रेरित करते हैं और सफल होते हैं कुछ स्थानीय चोरों और एक जोहरी से रिश्वत लेकर सिम्बा एक भ्रष्ट पुलिस वाले की जीवन शैली का आनंद लेती है और उसका पूरा फायदा उठाती है गृह मंत्री विनायक दत्ता द्वारा सिम्बा को जल्द ही गोवा में मिरामार पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया जाता है जहाँ वह शगुन छोटे को देखता है और पहली नज़र में उससे प्यार कर बैठता है वह अपने साथी पुलिसकर्मियों से मिलता है और उसका एक जूनियर नित्यानंद मोहिले जो एक ईमानदार कांस्टेबल है सीमा को सलाम करने से हिचकिचाता है क्योंकि वह एक भ्रष्ट पुलिस वाला है मरामार में अपनी योग्यता साबित करने के लिए वह दूरिया यशवंत रानाडे के भाइयों सदाशिव सदा रानाडे और गौरव गिरी रनाडे नामक एक प्रतिभाशाली गैंगस्टर द्वारा चलाए जा रहे एक पब पार्टी में बाधा डालता है और उनके अधिक पैसों की मांग करता है जबकि वादा करता है कि वह उन्हें जारी रखने देगा दुर्या सहमत हो जाता है और सिम्बा का उपयोग वामक वामन ना, राव नामक एक बूढ़े व्यक्ति की भूमि को मुक्त करने के लिए करता है जिसे सिम्बा द्वारा कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जाता है इस बीच सिम्बा कई महिलाओं और लड़कियों के साथ मात्र और बहन के बंधन विकसित करती है जिसमें एक आवृत्ति देवी होती है वह एक युवा महिला जो सिम्बा को अपने शिक्षक की याद दिलाती है आकृति सदा और गिरी के खिलाफ अपने पब में अवैध ड्रग्स का कारोबार करने और बच्चों को पैलर्स के रूप में इस्तेमाल करने के लिए शिकायत दर्ज कराती है दुर्वा द्वारा शांत किए जाने के बाद सिम्बा शुरू से इस पर ध्यान नहीं देती है और इस बीच शगुन को उससे प्यार जाता है तो दोस्तों इस फिल्म में आगे क्या होता है सिम्बा अपने मिशन में कामयाब हो पाता है या नहीं और दूर्वाने का क्या होता है इस फिल्म को आपको देखने के बाद ही पता चलेगा तो अगर आप भी ये फिल्म देखना चाहते हैं तो इस फिल्म के कॉपीराइट अधिकार जी द्वारा लिए गए हैं तो आप भी अगर फ़िल्म देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को जी फाइव पर देख सकते हैं बात करते हैं आई एम डी वी रेटिंग के तो इस फिल्म को फाइव पॉइंट फाइव आउट ऑफ टेन की आई एम डी वी रेटिंग मिली है और सेवनटी फाइव परसेंट गूगल यूज़र्स ने इस फिल्म को लाइक किया हुआ है हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्म सिम्बाग के बारे में तो यह फिल्म कौन सी है और यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं तो कौन कौन से ओटीटी टी टी प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से यूट्यूब चैनल पर और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देखने के लिए मिल सकती है इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं फिल्म सिम्बा के स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करने वाला हूँ ताकि आप भी यह फैसला कर पाएंगे कि यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो इस वीडियो से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ तो यह वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों सिम्बा एक 2018 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जो रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित और रोहित शेट्टी पिक्चर रिलायंस एंटरटेनमेंट और धर्मा प्रोडक्शन द्वारा निर्मित है शेट्टी की टॉप कॉप यूनिवर्स की तीसरी किस्त इसमें रणवीर सिंह सोनू सूद और सारा अली खान है जिसमें देवगन एक कैम्यू भूमिका में सिंघम की अपनी भूमिका दोहरा रहे हैं 2012 की तेलुगु फिल्म टेम्पर की रीमेक है यह फिल्म संग्राम सिंगा भालेराव का अनुसरण करती है जो सिंघम के ही शहर का एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी है जो अपने निकट के लोगों को लोगों पर त्रासदी के बाद धार्मिक धर्मी अधिक धर्मी मार्ग का नेतृत्व करने के लिए मजबूर होता है प्रिंसिपल फोटोग्राफी जून 2018 में गोवा और कोलापुर में फिल्माए गए अधिकांश दृश्यों के साथ शुरू हुई बाकी की शूटिंग हैदराबाद और मुंबई के महबूब स्टूडियो में की गई उसी वर्ष दिसंबर की शुरुआत में शूटिंग को लपेटा गया था फिल्म का साउंड ट्रैक तनिष्क बागची लीजो जॉर्ज डीजे तेजस और एस थमन द्वारा रचित है जिसके बोल शब्बीर अहमद रश्मि विराग कुमार और कुणाल वर्मा ने लिखे थे साउंड ट्रैक में उन्नीस छानबे के दो गानों के रोमिक है आंख मारे मूल रूप से फिल्म तेरे मेरे सपने से और नुसरत फतेह अली खान द्वारा कवाली गीत तेरे बिन सिमा को बाईस दिसंबर 2018 को खाड़ी सहयोग परिषद के देशों में रिलीज किया गया था फिल्म को अगले दिन भारत और अंत अन्य राष्ट्रीय क्षेत्रों में रिलीज़ किया गया था इसे रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा दुनिया भर में वितरित किया गया था फिल्म को समीक्षकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली लेकिन 2018 तक सिम्हा की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली शुरुआती फिल्म बन गई और दुनिया भर में लगभग चार करोड़ से अधिक की कमाई की जो अब तक की पच्चीसवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है बात करें अगर फिल्म से जुड़े टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक हैं रोहित शेट्टी और इस फिल्म की पटकथा की है यूनिज सजवल साजिद सामजी संवाद लिखे हैं फरहाद सामजी ने और कहानी वथंकम वा वामसी द्वारा दी गई है इस फिल्म को बनाने में टोटल एक करोड़ की बजट आई थी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर टोटल तीन करोड़ से भी अधिक की कमाई की है स्टारकास्ट की बात करें तो इंस्पेक्टर संग्राम भालेराव उर्फ सिम्बा के रूप में रणवीर सिंह दिखाई देंगे दूरिया यशवंत पन रणाडे के रूप में सोनू सूद सिम्बा की प्रेमिका शगुन सोठे के रूप में सारा लिखान दिखाई देंगे इस फिल्म के अंदर आशुतोष राणा हेड कांस्टेबल नित्यानंद मोहिले के रूप में दिखाई देंगे उप निरीक्षक संतोष तावड़े के रूप में सिद्धार्थ जाधव वैदे ही परशु रामी आकृति देव के रूप में दिखाई देंगे स्टोरी प्लॉट की बात करें तो संग्राम सिम्बा भोलेराव शिवगढ़ का एक वीर विरोधी अनाथ है उसी शहर में जहाँ बाजीराव सिंह का पालन पोषण हुआ था जहां वह देखता है कि कैसे पुलिसकर्मी रिश्वत के रूप में पैसे बनाते हैं खुद को पुलिस अधिकारी बनाने के लिए प्रेरित करते हैं और सफल होते हैं कुछ स्थानीय चोरों और एक जोहरी से रिश्वत लेकर सिम्बा एक भ्रष्ट पुलिस वाले की जीवन शैली का आनंद लेती है और उसका पूरा फायदा उठाती है गृह मंत्री विनायक दत्ता द्वारा सिम्बा को जल्द ही गोवा में मीरामार पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया जाता है जहाँ वह शगुन छोटे को देखता है और पहली नज़र में उससे प्यार कर बैठता है वह अपने साथी पुलिसकर्मियों से मिलता है और उसका एक जूनियर नित्यानंद मोहिले जो एक ईमानदार कांस्टेबल है सीमा को सलाम करने से हिचकिचाता है क्योंकि वह एक भ्रष्ट पुलिस वाला है मरामार में अपनी योग्यता साबित करने के लिए वह दूरिया यशवंत रानाडे के भाइयों सदाशिव सदा रानाडे और गौरव गिरी रनाडे नामक एक प्रतिभाशाली गैंगस्टर द्वारा चलाए जा रहे एक पब पार्टी में बाधा डालता है और उनके अधिक पैसों की मांग करता है जबकि वादा करता है कि वह उन्हें जारी रखने देगा दुर्या सहमत हो जाता है और सिम्बा का उपयोग वामक वामन ना, राव नामक एक बूढ़े व्यक्ति की भूमि को मुक्त करने के लिए करता है जिसे सिम्बा द्वारा कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जाता है इस बीच सिम्बा कई महिलाओं और लड़कियों के साथ मात्र और बहन के बंधन विकसित करती है जिसमें एक आवृत्ति देवी होती है वह एक युवा महिला जो सिम्बा को अपने शिक्षक की याद दिलाती है आकृति सदा और गिरी के खिलाफ अपने पब में अवैध ड्रग्स का कारोबार करने और बच्चों को पैलर्स के रूप में इस्तेमाल करने के लिए शिकायत दर्ज कराती है दुर्वा द्वारा शांत किए जाने के बाद सिम्बा शुरू से इस पर ध्यान नहीं देती है और इस बीच शगुन को उससे प्यार जाता है तो दोस्तों इस फिल्म में आगे क्या होता है सिम्बा अपने मिशन में कामयाब हो पाता है या नहीं और दुर्वा रहने का क्या होता है इस फिल्म को आपको देखने के बाद ही पता चलेगा तो अगर आप भी ये फिल्म देखना चाहते हैं तो इस फिल्म के कॉपीराइट अधिकार जी द्वारा लिए गए हैं तो आप भी अगर फ़िल्म देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को जी फाइव पर देख सकते हैं बात करते हैं आई एम डी वी रेटिंग के तो इस फिल्म को फाइव पॉइंट फाइव आउट ऑफ टेन की आई एम डी वी रेटिंग मिली है और सेवनटी फाइव परसेंट गूगल यूज़र्स ने इस फिल्म को लाइक किया हुआ है हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्म सिम्बाग के बारे में तो यह फिल्म कौन सी है और यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं तो कौन कौन से ओटीटी टी प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देखने के लिए मिल सकती है इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं फिल्म सिम्बा के स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करने वाला हूँ ताकि आप भी यह फैसला कर पाएंगे कि यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो इस वीडियो से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ तो यह वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों सिम्बा एक 2018 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जो रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित और रोहित शेट्टी पिक्चर रिलायंस एंटरटेनमेंट और धर्मा प्रोडक्शन द्वारा निर्मित है शेट्टी की टॉप कॉप यूनिवर्स की तीसरी किस्त इसमें रणवीर सिंह सोनू सूद और सारा अली खान है जिसमें देवगन एक कैम्यू भूमिका में सिंघम की अपनी भूमिका दोहरा रहे हैं 2012 की तेलुगु फिल्म टेम्पर की रीमेक है यह फिल्म संग्राम सिंह भालेराव का अनुसरण करती है जो सिंघम के ही शहर का एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी है जो अपने निकट के लोगों को लोगों पर त्रासदी के बाद धार्मिक धर्मी अधिक धर्मी मार्ग का नेतृत्व करने के लिए मजबूर होता है प्रिंसिपल फोटोग्राफी जून 2018 में गोवा और कोलापुर में फिल्माए गए अधिकांश दृश्यों के साथ शुरू हुई बाकी की शूटिंग हैदराबाद और मुंबई के महबूब स्टूडियो में की गई उसी वर्ष दिसंबर की शुरुआत में शूटिंग को लपेटा गया था फिल्म का साउंड ट्रैक तनिष्क बागची लीजो जॉर्ज डी तेजस और एस थमन द्वारा रचित है जिसके बोल शब्बीर अहमद रश्मि विराग कुमार और कुणाल वर्मा ने लिखे थे साउंड ट्रैक में उन्नीस छानबे के दो गानों के रोमिक है आंख मारे मूल रूप से फिल्म तेरे मेरे सपने से और नुसरत फतेह अली खान द्वारा कवाली गीत तेरे बिन सीमा को 22 दिसंबर 2018 को खाड़ी सहयोग परिषद के देशों में रिलीज़ किया गया था फिल्म को अगले दिन भारत और अंत अन्य राष्ट्रीय क्षेत्रों में रिलीज़ किया गया था इसे रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा दुनिया भर में वितरित किया गया था फिल्म को समीक्षकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली लेकिन दो तक सिमा की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली शुरुआती फिल्म बन गई और दुनिया भर में लगभग चार सौ करोड़ से अधिक की कमाई की जो अब तक की पच्चीसवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है बात करें अगर फिल्म से जुड़े टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक हैं रोहित शेट्टी और इस फिल्म की पटकथा की है यूनुस सजवल साजिद सामजी संवाद लिखे हैं फरहाद सामजी ने और कहानी वथंकम वा वामसी द्वारा दी गई है इस फिल्म को बनाने में टोटल एक सौ करोड़ की बजट आई थी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर टोटल तीन सौ नब्बे करोड़ से भी अधिक की कमाई की है स्टार कास्ट की बात करें तो इंस्पेक्टर संग्राम भालेराव उर्फ सिम्बा के रूप में रणवीर सिंह दिखाई देंगे दूरिया यशवंत पन रणाडे के रूप में सोनू सूद सिंबा की प्रेमिका शगुन सोठे के रूप में सारा लिखा दिखाई देंगे इस फिल्म के अंदर आशुतोष राणा हेड कांस्टेबल नित्यानंद मोहिले के रूप में दिखाई देंगे उप निरीक्षक संतोष तावड़े के रूप में सिद्धार्थ जाधव वैदे ही रामी आकृति देव के रूप में दिखाई देंगे स्टोरी प्लॉट की बात करें तो संग्राम सिम्बा भोलेराव शिवगढ़ का एक वीर विरोधी अनाथ है उसी शहर में जहाँ बाजीराव सिंह का पालन पोषण हुआ था जहाँ वह देखता है कि कैसे पुलिसकर्मी रिश्वत के रूप में पैसे बनाते हैं खुद को पुलिस अधिकारी बनाने के लिए प्रेरित करते हैं और सफल होते हैं कुछ स्थानीय चोरों और एक जोहरे से रिश्वत लेकर सिम्बा एक भ्रष्ट पुलिस वाले की जीवन शैली का आनंद लेती है और उसका पूरा फायदा उठाती है गृह मंत्री विनायक दत्ता द्वारा सिम्बा को जल्द ही गोवा में मिरामार पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया जाता है जहां वह शगुन छोटे को देखता है और पहली नज़र में उससे प्यार कर बैठता है वह अपने साथी पुलिसकर्मियों से मिलता है और उसका एक जूनियर नित्यानंद मोहिले जो एक ईमानदार कांस्टेबल है सिम्बा को सलाम करने से हिचकिचाता है क्योंकि वह एक भ्रष्ट पुलिस वाला है मेरा में अपनी योग्यता साबित करने के लिए वह दूरिया यशवंत रानाडे के भाइयों सदाशिव सदा रानाडे और गौरव गिरी रनाडे नामक एक प्रतिभाशाली गैंगस्टर द्वारा चलाए जा रहे एक पब पार्टी में बाधा डालता है और उनके अधिक पैसों की मांग करता है जबकि वादा करता है कि वह उन्हें जारी रखने देगा दूरिया सहमत हो जाता है और सिम्बा का उपयोग वामक वामन ना, राव नामक एक बूढ़े व्यक्ति की भूमि को मुक्त करने के लिए करता है जिसे सिम्बा द्वारा कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जाता है इस बीच सिम्बा कई महिलाओं और लड़कियों के साथ मात्र और बहन के बंधन विकसित करती है जिसमें एक आवृत्ति देवी होती है वह एक युवा महिला जो सिम्बा को अपने शिक्षक की याद दिलाती है आकृति सदा और गिरी के खिलाफ अपने पब में अवैध ड्रग्स का कारोबार करने और बच्चों को पैलर्स के रूप में इस्तेमाल करने के लिए शिकायत दर्ज कराती है दुर्वा द्वारा शांत किए जाने के बाद सिम्बा शुरू से इस पर ध्यान नहीं देती है और इस बीच शगुन को उससे प्यार रहता है तो दोस्तों इस फिल्म में आगे क्या होता है सिम्बा अपने मिशन में कामयाब हो पाता है या नहीं और दुर्वा रहने का क्या होता है इस फिल्म को आपको देखने के बाद ही पता चलेगा तो अगर आप भी ये फिल्म देखना चाहते हैं तो इस फिल्म के कॉपीराइट अधिकार जी द्वारा लिए गए हैं तो आप भी अगर फ़िल्म देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को जी फाइव पर देख सकते हैं बात करते हैं आई एम डी वी रेटिंग की तो इस फिल्म को फाइव पॉइंट फाइव आउट ऑफ टेन की आई एम डी वी रेटिंग मिली है और सेवनटी फाइव परसेंट गूगल यूज़र्स ने इस फिल्म को लाइक किया हुआ है हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्म सिम्बाग के बारे में तो यह फिल्म कौन सी है और यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं तो कौन कौन से ओटीटी टी प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देखने के लिए मिल सकती है इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं फिल्म सिम्बा के स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करने वाला हूँ ताकि आप भी यह फैसला कर पाएंगे कि यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो इस वीडियो से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ तो यह वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों सिम्बा एक 2018 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जो रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित और रोहित शेट्टी पिक्चर रिलायंस एंटरटेनमेंट और धर्मा प्रोडक्शन द्वारा निर्मित है शेट्टी की टॉप कॉप यूनिवर्स की तीसरी किस्त इसमें रणवीर सिंह सोनू सूद और सारा अली खान है जिसमें देवगन एक कैम्यू भूमिका में सिंघम की अपनी भूमिका दोहरा रहे हैं 2012 की तेलुगु फिल्म टेम्पर की रीमेक है यह फिल्म संग्राम सिंगा भालेराव का अनुसरण करती है जो सिंघम के ही शहर का एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी है जो अपने निकट के लोगों को लोगों पर त्रासदी के बाद धार्मिक धर्मी अधिक धर्मी मार का नेतृत्व करने के लिए मजबूर होता है प्रिंसिपल फोटोग्राफी जून 2018 में गोवा और कोलापुर में फिल्माए गए अधिकांश दृश्यों के साथ शुरू हुई बाकी की शूटिंग हैदराबाद और मुंबई के महबूब स्टूडियो में की गई उसी वर्ष दिसंबर की शुरुआत में शूटिंग को लपेटा गया था फिल्म का साउंड ट्रैक तनिष्क बागची लीजो जॉर्ज डी तेजस और एस थमन द्वारा रचित है जिसके बोल शब्बीर अहमद रश्मि विराग कुमार और कुणाल वर्मा ने लिखे थे साउंड ट्रैक में उन्नीस छानबे के दो गानों के रूमिक हैं आंख मारे मूल रूप से फिल्म तेरे मेरे सपने से और नुसरत फतेह अली खान द्वारा कवाली गीत तेरे बिन सिम्बा को बाईस दिसंबर 2018 को खाड़ी सहयोग परिषद के देशों में रिलीज किया गया था फिल्म को अगले दिन भारत और अंत अन्य राष्ट्रीय क्षेत्रों में रिलीज़ किया गया था इसे रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा दुनिया भर में वितरित किया गया था फिल्म को समीक्षकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली, लेकिन 2018 तक सिम्हा की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली शुरुआती फिल्म बन गई और दुनिया भर में लगभग चार करोड़ से अधिक की कमाई की जो अब तक की पच्चीसवीं सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है बात करें अगर फिल्म से जुड़े टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक हैं रोहित शेट्टी और इस फिल्म की पटकथा की है यूनिज सजवल साजिद सामजी संवाद लिखे हैं फरहाद सामजी ने और कहानी वथंकम वा वामसी द्वारा दी गई है इस फिल्म को बनाने में टोटल एक करोड़ की बजट आई थी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर टोटल तीन करोड़ से भी अधिक की कमाई की है स्टारकास्ट की बात करें तो इंस्पेक्टर संग्राम भालेराव उर्फ सिम्बा के रूप में रणवीर सिंह दिखाई देंगे दूरिया यशवंत पन रणाडे के रूप में सोनू सूद सिम्बा की प्रेमिका शगुन सोठे के रूप में सारा लिखा दिखाई देंगे इस फिल्म के अंदर आशुतोष राणा हेड कांस्टेबल नित्यानंद मोहिले के रूप में दिखाई देंगे उप निरीक्षक संतोष तावड़े के रूप में सिद्धार्थ जाधव वैदे ही रामी आकृति देव के रूप में दिखाई देंगे स्टोरी प्लॉट की बात करें तो संग्राम सिम्बा भोलेराव शिवगढ़ का एक वीर विरोधी अनाथ है उसी शहर में जहां बाजीराव सिंह का पालन पोषण हुआ था जहाँ वह देखता है कि कैसे पुलिसकर्मी रिश्वत के रूप में पैसे बनाते हैं खुद को पुलिस अधिकारी बनाने के लिए प्रेरित करते हैं और सफल होते हैं कुछ स्थानीय चोरों और एक जोहरे से रिश्वत लेकर सिम्बा एक भ्रष्ट पुलिस वाले की जीवन शैली का आनंद लेती है और उसका पूरा फायदा उठाती है गृह मंत्री विनायक दत्ता द्वारा सिम्बा को जल्द ही गोवा में मिरामार पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया जाता है जहां वह शगुन छोटे को देखता है और पहली नज़र में उससे प्यार कर बैठता है वह अपने साथी पुलिसकर्मियों से मिलता है और उसका एक जूनियर नित्यानंद मोहले जो एक ईमानदार कांस्टेबल है सिम्बा को सलाम करने से हिचकिचाता है क्योंकि वह एक भ्रष्ट पुलिस वाला है मेरामार में अपनी योग्यता साबित करने के लिए वह दूरिया यशवंत रानाडे के भाइयों सदाशिव सदा रानाडे और गौरव गिरी रनाडे नामक एक प्रतिभाशाली गैंगस्टर द्वारा चलाए जा रहे एक पब पार्टी में बाधा डालता है और उनके अधिक पैसों की मांग करता है जबकि वादा करता है कि वह उन्हें जारी रखने देगा दूरिया सहमत हो जाता है और सिम्बा का उपयोग वामक वामन ना, राव नाम एक बूढ़े व्यक्ति की भूमि को मुक्त करने के लिए करता है जिसे सिम्बा द्वारा कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जाता है इस बीच सिम्बा कई महिलाओं और लड़कियों के साथ मात्र और बहन के बंधन विकसित करती है जिसमें एक आवृत्ति देवी होती है वह एक युवा महिला जो सिम्बा को अपने शिक्षक की याद दिलाती है आकृति सदा और गिरी के खिलाफ अपने पब में अवैध ड्रग्स का कारोबार करने और बच्चों को पैलर्स के रूप में इस्तेमाल करने के लिए शिकायत दर्ज कराती है दुर्वा द्वारा शांत किए जाने के बाद सिम्बा शुरू से इस पर ध्यान नहीं देती है और इस बीच शगुन को उससे प्यार जाता है तो दोस्तों इस फिल्म में आगे क्या होता है सिम्बा अपने मिशन में कामयाब हो पाता है या नहीं और दूरवाने का क्या होता है इस फिल्म को आपको देखने के बाद ही पता चलेगा तो अगर आप भी ये फिल्म देखना चाहते हैं तो इस फिल्म के कॉपीराइट अधिकार जी द्वारा लिए गए हैं तो आप भी अगर फ़िल्म देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को जी फाइव पर देख सकते हैं बात करते हैं आई एम डी वी रेटिंग की तो इस फिल्म को फाइव पॉइंट फाइव आउट ऑफ टेन की आई एम डी वी रेटिंग मिली है और सेवेंटी फाइव परसेंट गूगल यूज़र्स ने इस फिल्म को लाइक किया हुआ है हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्म सिम्बाग के बारे में तो यह फिल्म कौन सी है और यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं तो कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देखने के लिए मिल सकती है इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं फिल्म सिम्बा के स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करने वाला हूँ ताकि आप भी यह फैसला कर पाएंगे कि यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो इस वीडियो से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं तो यह वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों सिम्बा एक 2018 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जो रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित और रोहित शेट्टी पिक्चर रिलायंस एंटरटेनमेंट और धर्मा प्रोडक्शन द्वारा निर्मित है शेट्टी की टॉप कॉप यूनिवर्स की तीसरी किस्त इसमें रणवीर सिंह सोनू सूद और सारा अली खान है जिसमें देवगन एक कैम्यू भूमिका में सिंघम की अपनी भूमिका दोहरा रहे हैं 2012 की तेलुगु फिल्म टेम्पर की रीमेक है यह फिल्म संग्राम सिंगा भालेराव का अनुसरण करती है जो सिंघम के ही शहर का एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी है जो अपने निकट के लोगों को लोगों पर त्रासदी के बाद धार्मिक धर्मी अधिक धर्मी मार का नेतृत्व करने के लिए मजबूर होता है प्रिंसिपल फोटोग्राफी जून 2018 में गोवा और कोलापुर में फिल्माए गए अधिकांश दृश्यों के साथ शुरू हुई बाकी की शूटिंग हैदराबाद और मुंबई के महबूब स्टूडियो में की गई उसी वर्ष दिसंबर की शुरुआत में शूटिंग को लपेटा गया था फिल्म का साउंड ट्रैक तनिष्क बागची लीजो जॉर्ज डी तेजस और एस थमन द्वारा रचित है जिसके बोल शब्बीर अहमद रश्मि विराग कुमार और कुणाल वर्मा ने लिखे थे साउंड ट्रैक में उन्नीस छानबे के दो गानों के रोमिक है आंख मारे मूल रूप से फिल्म तेरे मेरे सपने से और नुसरत फतेह अली खान द्वारा कवाली गीत तेरे बिन सीमा को बाईस दिसंबर 2018 को खाड़ी सहयोग परिषद के देशों में रिलीज़ किया गया था फिल्म को अगले दिन भारत और अंत अन्य राष्ट्रीय क्षेत्रों में रिलीज़ किया गया था इसे रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा दुनिया भर में वितरित किया गया था फिल्म को समीक्षकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली लेकिन दो तक सिमा की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली शुरुआती फिल्म बन गई और दुनिया भर में लगभग चार सौ करोड़ से अधिक की कमाई की जो अब तक की पच्चीसवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है बात करें अगर फिल्म से जुड़े टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक हैं रोहित शेट्टी और इस फिल्म की पटकथा की है यूनिज सजवल साजिद सामजी संवाद लिखे हैं फरहाद सामजी ने और कहानी वथंकम वा वामसी द्वारा दी गई है इस फिल्म को बनाने में टोटल एक करोड़ की बजट आई थी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर टोटल तीन करोड़ से भी अधिक की कमाई की है स्टारकास्ट की बात करें तो इंस्पेक्टर संग्राम भालेराव उर्फ सिम्बा के रूप में रणवीर सिंह दिखाई देंगे दुर्या यशवंत पन रणाडे के रूप में सोनू सूद सिम्बा की प्रेमिका शगुन सोठे के रूप में सारा लिखान दिखाई देंगे इस फिल्म के अंदर आशुतोष राणा हेड कांस्टेबल नित्यानंद मोहिले के रूप में दिखाई देंगे उप निरीक्षक संतोष तावड़े के रूप में सिद्धार्थ जाधव वैदे ही रामी आकृति देव के रूप में दिखाई देंगे स्टोरी प्लॉट की बात करें तो संग्राम सिम्बा भोलेराव शिवगढ़ का एक वीर विरोधी अनाथ है उसी शहर में जहाँ बाजीराव सिंघम का पालन पोषण हुआ था जहाँ वह देखता है कि कैसे पुलिसकर्मी रिश्वत के रूप में पैसे बनाते हैं खुद को पुलिस अधिकारी बनाने के लिए प्रेरित करते हैं और सफल होते हैं कुछ स्थानीय चोरों और एक जोहरे से रिश्वत लेकर सिम्बा एक भ्रष्ट पुलिस वाले की जीवन शैली का आनंद लेती है और उसका पूरा फायदा उठाती है गृह मंत्री विनायक दत्ता द्वारा सिम्बा को जल्द ही गोवा में मिरामार पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया जाता है जहां वह शगुन छोटे को देखता है और पहली नज़र में उससे प्यार कर बैठता है वह अपने साथी पुलिसकर्मियों से मिलता है और उसका एक जूनियर नित्यानंद मोहिले जो एक ईमानदार कांस्टेबल है सिम्बा को सलाम करने से हिचकिचाता है क्योंकि वह एक भ्रष्ट पुलिस वाला है मिराममार में अपनी योग्यता साबित करने के लिए वह दूरिया यशवंत रानाडे के भाइयों सदाशिव सदा रानाडे और गौरव गिरी रनाडे नामक एक प्रतिभाशाली गैंगस्टर द्वारा चलाए जा रहे एक पब पार्टी में बाधा डालता है और उनके अधिक पैसों की मांग करता है जबकि वादा करता है कि वह उन्हें जारी रखने देगा दूरिया सहमत हो जाता है और सिम्बा का उपयोग वामक वामन ना, राव नामक एक बूढ़े व्यक्ति की भूमि को मुक्त करने के लिए करता है जिसे सिम्बा द्वारा कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जाता है इस बीच सिम्बा कई महिलाओं और लड़कियों के साथ मात्र और बहन के बंधन विकसित करती है जिसमें एक आवृत्ति देवी होती है वह एक युवा महिला जो सिम्बा को अपने शिक्षक की याद दिलाती है आकृति सदा और गिरी के खिलाफ अपने पब में अवैध ड्रग्स का कारोबार करने और बच्चों को पैलर्स के रूप में इस्तेमाल करने के लिए शिकायत दर्ज कराती है दुर्वा द्वारा शांत किए जाने के बाद सिम्बा शुरू से इस पर ध्यान नहीं देती है और इस बीच शगुन को उससे प्यार जाता है तो दोस्तों इस फिल्म में आगे क्या होता है सिम्बा अपने मिशन में कामयाब हो पाता है या नहीं और दूरवाने का क्या होता है इस फिल्म को आपको देखने के बाद ही पता चलेगा तो अगर आप भी ये फिल्म देखना चाहते हैं तो इस फिल्म के कॉपीराइट अधिकार जी द्वारा लिए गए हैं तो आप भी अगर फ़िल्म देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को जी फाइव पर देख सकते हैं बात करते हैं आई रेटिंग की तो इस फिल्म को फाइव आउट ऑफ टेन की आई रेटिंग मिली है और सेवेंटी गूगल यूज़र्स ने इस फिल्म को लाइक किया हुआ है हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्म सिम के बारे में तो यह फिल्म कौन सी है और यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं तो कौन कौन से ओटीटी टी प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे और कौन कौन से सेटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देखने के लिए मिल सकती है इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं फिल्म सिम्बा के स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करने वाला हूँ ताकि आप भी यह फैसला कर पाएंगे कि यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो इस वीडियो से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं तो यह वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों सिम्बा एक 2018 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जो रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित और रोहित शेट्टी पिक्चर रिलायंस एंटरटेनमेंट और धर्मा प्रोडक्शन द्वारा निर्मित है शेट्टी की टॉप कॉप यूनिवर्स की तीसरी किस्त इसमें रणवीर सिंह सोनू सूद और सारा अली खान है जिसमें देवगन एक कैम्यू भूमिका में सिंघम की अपनी भूमिका दोहरा रहे हैं 2012 की तेलुगु फिल्म टेम्पर की रीमेक है यह फिल्म संग्राम सिंह भालेराव का अनुसरण करती है जो सिंघम के ही शहर का एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी है जो अपने निकट के लोगों को लोगों पर त्रासदी के बाद धार्मिक धर्मी अधिक धर्मी मार्ग का नेतृत्व करने के लिए मजबूर होता है प्रिंसिपल फोटोग्राफी जून 2018 में गोवा और कोलापुर में फिल्माए गए अधिकांश दृश्यों के साथ शुरू हुई बाकी की शूटिंग हैदराबाद और मुंबई के महबूब स्टूडियो में की गई उसी वर्ष दिसंबर की शुरुआत में शूटिंग को लपेटा गया था फिल्म का साउंड ट्रैक तनिष्क बागची लीजो जॉर्ज डीजे तेजस और एस थमन द्वारा रचित है जिसके बोल शब्बीर अहमद रश्मि विराग कुमार और कुणाल वर्मा ने लिखे थे साउंड ट्रैक में उन्नीस छानबे के दो गानों के रोमिक है आंख मारे मूल रूप से फिल्म तेरे मेरे सपने से और नुसरत फतेह अली खान द्वारा कवाली गीत तेरे बिन सीमा को 22 दिसंबर 2018 को खाड़ी सहयोग परिषद के देशों में रिलीज़ किया गया था फिल्म को अगले दिन भारत और अंत अन्य राष्ट्रीय क्षेत्रों में रिलीज़ किया गया था इसे रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा दुनिया भर में वितरित किया गया था फिल्म को समीक्षकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली लेकिन दो तक सिमा की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली शुरुआती फिल्म बन गई और दुनिया भर में लगभग चार सौ करोड़ से अधिक की कमाई की जो अब तक की पच्चीसवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है बात करें अगर फिल्म से जुड़े टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक हैं रोहित शेट्टी और इस फिल्म की पटकथा की है यूनिज सजवल साजिद सामजी संवाद लिखे हैं फरहाद सामजी ने और कहानी वथंकम वा वामसी द्वारा दी गई है इस फिल्म को बनाने में टोटल एक सौ करोड़ की बजट आई थी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे टोटल तीन सौ नब्बे करोड़ से भी अधिक की कमाई की है स्टार कास्ट की बात करें तो इंस्पेक्टर संग्राम भालेराव उर्फ सिम्बा के रूप में रणवीर सिंह दिखाई देंगे दुरिया यशवंत रणाडे के रूप में सोनू सूद सिंबा की प्रेमिका शगुन सोठे के रूप में सारा लिखान दिखाई देंगे इस फिल्म के अंदर आशुतोष राणा हेड कांस्टेबल नित्यानंद मोहिले के रूप में दिखाई देंगे उप निरीक्षक संतोष तावड़े के रूप में सिद्धार्थ जाधव वैदे ही रामी आकृति देव के रूप में दिखाई देंगे स्टोरी प्लॉट की बात करें तो संग्राम सिम्बा भोलेराव शिवगढ़ का एक वीर विरोधी अनाथ है उसी शहर में जहां बाजीराव सिंघम का पालन पोषण हुआ था जहां वह देखता है कि कैसे पुलिसकर्मी रिश्वत के रूप में पैसे बनाते हैं खुद को पुलिस अधिकारी बनाने के लिए प्रेरित करते हैं और सफल होते हैं कुछ स्थानीय चोरों और एक जोहरे से रिश्वत लेकर सिम्बा एक भ्रष्ट पुलिस वाले की जीवन शैली का आनंद लेती है और उसका पूरा फायदा उठाती है गृह मंत्री विनायक दत्ता द्वारा सिम्बा को जल्द ही गोवा में मिरामार पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया जाता है जहां वह शगुन छोटे को देखता है और पहली नज़र में उससे प्यार कर बैठता है वह अपने साथी पुलिसकर्मियों से मिलता है और उसका एक जूनियर नित्यानंद मोहिले जो एक ईमानदार कांस्टेबल है सिम्बा को सलाम करने से हिचकिचाता है क्योंकि वह एक भ्रष्ट पुलिस वाला है मिराममार में अपनी योग्यता साबित करने के लिए वह दूरिया यशवंत रानाडे के भाइयों सदाशिव सदा रानाडे और गौरव गिरी रनाडे नामक एक प्रतिभाशाली गैंगस्टर द्वारा चलाए जा रहे एक पब पार्टी में बाधा डालता है और उनके अधिक पैसों की मांग करता है जबकि वादा करता है कि वह उन्हें जारी रखने देगा दूरिया सहमत हो जाता है और सिम्बा का उपयोग वामक वामन ना, राव नामक एक बूढ़े व्यक्ति की भूमि को मुक्त करने के लिए करता है जिसे सिम्बा द्वारा कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जाता है इस बीच सिम्बा कई महिलाओं और लड़कियों के साथ मातृ और बहन के बंधन विकसित करती है जिसमें एक आवृत्ति देवी होती है वह एक युवा महिला जो सिम्बा को अपने शिक्षक की याद दिलाती है आकृति सदा और गिरी के खिलाफ अपने पब में अवैध ड्रग्स का कारोबार करने और बच्चों को पैलर्स के रूप में इस्तेमाल करने के लिए शिकायत दर्ज कराती है दुर्वा द्वारा शांत किए जाने के बाद सिम्बा शुरू से इस पर ध्यान नहीं देती है और इस बीच शगुन को उससे प्यार जाता है तो दोस्तों इस फिल्म में आगे क्या होता है सिम्बा अपने मिशन में कामयाब हो पाता है या नहीं और दुर्वा आने का क्या होता है इस फिल्म को आपको देखने के बाद ही पता चलेगा तो अगर आप भी ये फिल्म देखना चाहते हैं तो इस फिल्म के कॉपीराइट अधिकार जी द्वारा लिए गए हैं तो आप भी अगर फ़िल्म देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को जी फाइव पर देख सकते हैं बात करते हैं आई रेटिंग की तो इस फिल्म को फाइव आउट ऑफ टेन की आई रेटिंग मिली है और सेवेंटी गूगल यूज़र्स ने इस फिल्म को लाइक किया हुआ है हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्म सिम्बाग के बारे में तो यह फिल्म कौन सी है और यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं तो कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देखने के लिए मिल सकती है इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं फिल्म सिम्बा के स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करने वाला हूँ ताकि आप भी यह फैसला कर पाएंगे कि यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो इस वीडियो से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं तो यह वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों सिम्बा एक 2018 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जो रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित और रोहित शेट्टी पिक्चर रिलायंस एंटरटेनमेंट और धर्मा प्रोडक्शन द्वारा निर्मित है शेट्टी की टॉप कॉप यूनिवर्स की तीसरी किस्त इसमें रणवीर सिंह सूद और सारा अली खान है जिसमें देवगन एक कैम्यू भूमिका में, में सिंघम की अपनी भूमिका दोहरा रहे हैं 2012 की तेलुगु फिल्म टेम्पर की रीमेक है यह फिल्म संग्राम सिंगा भाले का अनुसरण करती है जो सिंघम के ही शहर का एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी है जो अपने निकट के लोगों को लोगों पर त्रासदी के बाद धार्मिक धर्मी अधिक धर्मी मार का नेतृत्व करने के लिए मजबूर होता है प्रिंसिपल फोटोग्राफी जून 2018 में गोवा और कोलापुर में फिल्माए गए अधिकांश दृश्यों के साथ शुरू हुई बाकी की शूटिंग हैदराबाद और मुंबई के महबूब स्टूडियो में की गई उसी वर्ष दिसंबर की शुरुआत में शूटिंग को लपेटा गया था फिल्म का साउंड ट्रैक तनिष्क बागची लीजो जॉर्ज डी तेजस और एस थमन द्वारा रचित है जिसके बोल शब्बीर अहमद रश्मि विराग कुमार और कुणाल वर्मा ने लिखे थे साउंड ट्रैक में उन्नीस छानबे के दो गानों के रूमिक है आंख मारे मूल रूप से फिल्म तेरे मेरे सपने से और नुसरत फतेह अली खान द्वारा कवाली गीत तेरे बिन सीमा को बाईस दिसंबर 2018 को खाड़ी सहयोग परिषद के देशों में रिलीज़ किया गया था फिल्म को अगले दिन भारत और अंत अन्य राष्ट्रीय क्षेत्रों में रिलीज़ किया गया था इसे रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा दुनिया भर में वितरित किया गया था फिल्म को समीक्षकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली लेकिन दो तक सिमा की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली शुरुआती फिल्म बन गई और दुनिया भर में लगभग चार सौ करोड़ से अधिक की कमाई की जो अब तक की पच्चीसवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है बात करें अगर फिल्म से जुड़े टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक हैं रोहित शेट्टी और इस फिल्म की पटकथा की है यूनिज सजल साजिद सामजी संवाद लिखे हैं फरहाद सामजी ने और कहानी वथंकम वा वामसी द्वारा दी गई है इस फिल्म को बनाने में टोटल एक सौ करोड़ की बजट आई थी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे टोटल तीन सौ नब्बे करोड़ से भी अधिक की कमाई की है स्टार कास्ट की बात करें तो इंस्पेक्टर संग्राम भालेराव उर्फ सिम्बा के रूप में रणवीर सिंह दिखाई देंगे दुरिया यशवंत पन रणाडे के रूप में सोनू सूद सिम्बा की प्रेमिका शगुन सोठे के रूप में सारा लिखान दिखाई देंगे इस फिल्म के अंदर आशुतोष राणा हेड कांस्टेबल नित्यानंद मोहिले के रूप में दिखाई देंगे उप निरीक्षक संतोष तावड़े के रूप में सिद्धार्थ जाधव वैदे परशुरामी आकृति देव के रूप में दिखाई देंगे स्टोरी प्लॉट की बात करें तो संग्राम सिम्बा भोलेराव शिवगढ़ का एक वीर विरोधी अनाथ है उसी शहर में जहां बाजीराव सिंघम का पालन पोषण हुआ था जहां वह देखता है कि कैसे पुलिसकर्मी रिश्वत के रूप में पैसे बनाते हैं खुद को पुलिस अधिकारी बनाने के लिए प्रेरित करते हैं और सफल होते हैं कुछ स्थानीय चोरों और एक जोहरे से रिश्वत लेकर सिम्बा एक भ्रष्ट पुलिस वाले की जीवन शैली का आनंद लेती है और उसका पूरा फायदा उठाती है गृह मंत्री विनायक दत्ता द्वारा सिम्बा को जल्द ही गोवा में मिरामार पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया जाता है जहां वह शगुन छोटे को देखता है और पहली नज़र में उससे प्यार कर बैठता है वह अपने साथी पुलिसकर्मियों से मिलता है और उसका एक जूनियर नित्यानंद मोहिले जो एक ईमानदार कांस्टेबल है सिम्बा को सलाम करने से हिचकिचाता है क्योंकि वह एक भ्रष्ट पुलिस वाला है मिराममार में अपनी योग्यता साबित करने के लिए वह दूरिया यशवंत रानाडे के भाइयों सदाशिव सदा रानाडे और गौरव गिरी रनाडे नामक एक प्रतिभाशाली गैंगस्टर द्वारा चलाए जा रहे एक पब पार्टी में बाधा डालता है और उनके अधिक पैसों की मांग करता है जबकि वादा करता है कि वह उन्हें जारी रखने देगा दूरिया सहमत हो जाता है और सिम्बा का उपयोग वामक वामन ना, राव नामक एक बूढ़े व्यक्ति की भूमि को मुक्त करने के लिए करता है जिसे सिम्बा द्वारा कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जाता है इस बीच सिम्बा कई महिलाओं और लड़कियों के साथ मातृ और बहन के बंधन विकसित करती है जिसमें एक आवृत्ति देवी होती है वह एक युवा महिला जो सिम्बा को अपने शिक्षक की याद दिलाती है आकृति सदा और गिरी के खिलाफ अपने पब में अवैध ड्रग्स का कारोबार करने और बच्चों को पैलर्स के रूप में इस्तेमाल करने के लिए शिकायत दर्ज कराती है दुर्वा द्वारा शांत किए जाने के बाद सिम्बा शुरू से इस पर ध्यान नहीं देती है और इस बीच शगुन को उससे प्यार जाता है तो दोस्तों इस फिल्म में आगे क्या होता है सिम्बा अपने मिशन में कामयाब हो पाता है या नहीं और दुर्वा आने का क्या होता है इस फिल्म को आपको देखने के बाद ही पता चलेगा तो अगर आप भी ये फिल्म देखना चाहते हैं तो इस फिल्म के कॉपीराइट अधिकार जी द्वारा लिया गया है तो आप भी अगर फ़िल्म देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को जी फाइव पर देख सकते हैं बात करते हैं आई रेटिंग की तो इस फिल्म को फाइव आउट ऑफ टेन की आई रेटिंग मिली है और सेवनटी गूगल यूज़र्स ने इस फिल्म को लाइक किया हुआ है हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिल्म सिम्बाग के बारे में तो यह फिल्म कौन सी है और यह फिल्म अगर आप देखना चाहते हैं तो कौन कौन से ओ टी टी प्लेटफॉर्म पर कौन कौन से यूट्यूब चैनल पे और कौन कौन से सैटेलाइट चैनल के ऊपर फ्री में ऑफिशियली देखने के लिए मिल सकती है इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं साथ ही साथ फिल्म के प्री प्रोडक्शन पोस्ट प्रोडक्शन बजट और कलेक्शन के ऊपर भी हम डिस्कस करने वाले हैं फिल्म सिम्बा के स्टोरी के ऊपर एक डीप रिव्यू भी करने वाला हूँ ताकि आप भी यह फैसला कर पाएंगे कि यह फिल्म आपको देखनी चाहिए या नहीं देखनी चाहिए तो इस वीडियो से जुड़े हुए जितने भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं वो सब मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ तो यह वीडियो काफ़ी इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग होने वाली है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों सिम्बा एक 2018 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन फिल्म है जो रोहित शेट्टी द्वारा निर्देशित और रोहित शेट्टी पिक्चर रिलायंस एंटरटेनमेंट और धर्मा प्रोडक्शन द्वारा निर्मित है शेट्टी की टॉप कॉप यूनिवर्स की तीसरी किस्त इसमें रणवीर सिंह सोनू सूद और सारा अली खान है जिसमें देवगन एक कैम्यू भूमिका में सिंघम की अपनी भूमिका दोहरा रहे हैं 2012 की तेलुगु फिल्म की रीमेक है यह फिल्म संग्राम सिंगा भालेराव का अनुसरण करती है जो सिंघम के ही शहर का एक भ्रष्ट पुलिस अधिकारी है जो अपने निकट के लोगों को लोगों पर त्रासदी के बाद धार्मिक धर्मी अधिक धर्मी मार्ग का नेतृत्व करने के लिए मजबूर होता है प्रिंसिपल फोटोग्राफी जून 2018 में गोवा और कोलापुर में फिल्माए गए अधिकांश दृश्यों के साथ शुरू हुई बाकी की शूटिंग हैदराबाद और मुंबई के महबूब स्टूडियो में की गई उसी वर्ष दिसंबर की शुरुआत में शूटिंग को लपेटा गया था फिल्म का साउंड ट्रैक तनिष्क बागची लीजो जॉर्ज डी तेजस और एस थमन द्वारा रचित है जिसके बोल शब्बीर अहमद रश्मि विराग कुमार और कुणाल वर्मा ने लिखे थे साउंड ट्रैक में उन्नीस छानबे के दो गानों के रोमिक है आंख मारे मूल रूप से फिल्म तेरे मेरे सपने से और नुसरत फतेह अली खान द्वारा कवाली गीत तेरे बिन सीमा को बाईस दिसंबर 2018 को खाड़ी सहयोग परिषद के देशों में रिलीज़ किया गया था फिल्म को अगले दिन भारत और अंत अन्य राष्ट्रीय क्षेत्रों में रिलीज़ किया गया था इसे रिलायंस एंटरटेनमेंट द्वारा दुनिया भर में वितरित किया गया था फिल्म को समीक्षकों से मिश्रित समीक्षाएं मिली लेकिन दो तक सिमा की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली शुरुआती फिल्म बन गई और दुनिया भर में लगभग चार सौ करोड़ से अधिक की कमाई की जो अब तक की पच्चीसवीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है बात करें अगर फिल्म से जुड़े टेक्निकल डिटेल्स की तो इस फिल्म के निर्देशक हैं रोहित शेट्टी और इस फिल्म की पटकथा की है यूनुस सजवल साजिद सामजी संवाद लिखे हैं फरहाद सामजी ने और कहानी वथंकम वा वामसी द्वारा दी गई है इस फिल्म को बनाने में टोटल एक सौ करोड़ की बजट आई थी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पे टोटल तीन सौ नब्बे करोड़ से भी अधिक की कमाई की है स्टार कास्ट की बात करें तो इंस्पेक्टर संग्राम भालेराव उर्फ सिम्बा के रूप में रणवीर सिंह दिखाई देंगे दुर्या यशवंत पन रणाडे के रूप में सोनू सूद सिम्बा की प्रेमिका शगुन सोठे के रूप में सारा लिखान दिखाई देंगे इस फिल्म के अंदर आशुतोष राणा हेड कांस्टेबल नित्यानंद मोहिले के रूप में दिखाई देंगे उप निरीक्षक संतोष तावड़े के रूप में सिद्धार्थ जाधव वैद्य परशुरामी आकृति देव के रूप में दिखाई देंगे स्टोरी प्लॉट की बात करें तो संग्राम सिम्बा भोलेराव शिवगढ़ का एक वीर विरोधी अनाथ है उसी शहर में जहाँ बाजीराव सिंघम का पालन पोषण हुआ था। जहां वह देखता है कि कैसे पुलिसकर्मी रिश्वत के रूप में पैसे बनाते हैं खुद को पुलिस अधिकारी बनाने के लिए प्रेरित करते हैं और सफल होते हैं कुछ स्थानीय चोरों और एक जोहरे से रिश्वत लेकर सिम्बा एक भ्रष्ट पुलिस वाले की जीवन शैली का आनंद लेती है और उसका पूरा फायदा उठाती है गृह मंत्री विनायक दत्ता द्वारा सिम्बा को जल्द ही गोवा में मिरामार पुलिस स्टेशन में स्थानांतरित कर दिया जाता है जहां वह शगुन छोटे को देखता है और पहली नज़र में उससे प्यार कर बैठता है वह अपने साथी पुलिसकर्मियों से मिलता है और उसका एक जूनियर नित्यानंद मोयले जो एक ईमानदार कांस्टेबल है सीमा को सलाम करने से हिचकिचाता है क्योंकि वह एक भ्रष्ट पुलिस वाला है माममार में अपनी योग्यता साबित करने के लिए वह दूरिया यशवंत रानाडे के भाइयों सदाशिव सदा रानाडे और गौरव गिरी रानाडे नामक एक प्रतिभाशाली गैंगस्टर द्वारा चलाए जा रहे एक पब पार्टी में बाधा डालता है और उनके अधिक पैसों की मांग करता है जबकि वादा करता है कि वह उन्हें जारी रखने देगा दुर्या सहमत हो जाता है और सिम्बा का उपयोग वामक वामन ना, राव नामक एक बूढ़े व्यक्ति की भूमि को मुक्त करने के लिए करता है जिसे सिम्बा द्वारा कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जाता है इस बीच सिम्बा कई महिलाओं और लड़कियों के साथ मात्र और बहन के बंधन विकसित करती है जिसमें एक आवृत्ति देवी होती है वह एक युवा महिला जो सिम्बा को अपने शिक्षक की याद दिलाती है आकृति सदा और गिरी के खिलाफ अपने पब में अवैध ड्रग्स का कारोबार करने और बच्चों को पैलर्स के रूप में इस्तेमाल करने के लिए शिकायत दर्ज कराती है दुर्वा द्वारा शांत किए जाने के बाद सिम्बा शुरू से इस पर ध्यान नहीं देती है और इस बीच शगुन को उससे प्यार जाता है तो दोस्तों इस फिल्म में आगे क्या होता है सिम्बा अपने मिशन में कामयाब हो पाता है या नहीं और रहने का क्या होता है इस फिल्म को आपको देखने के बाद ही पता चलेगा तो अगर आप भी ये फिल्म देखना चाहते हैं तो इस फिल्म के कॉपीराइट अधिकार जी द्वारा लिया गया है तो आप भी अगर फ़िल्म देखना चाहते हैं तो इस फिल्म को जी फाइव पर देख सकते हैं बात करते हैं आई रेटिंग की तो इस फिल्म को फाइव आउट ऑफ टेन की आई रेटिंग मिली है और सेवेंटी गूगल यूज़र्स ने इस फिल्म को लाइक किया हुआ है